मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। जैसे कि जब मेरा CGPSC 20 का जब रिजल्ट आया, उस समय दिवाली का समय था, जस्ट दिवाली के एक दिन कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया। उसमें रैंक बहुत कम आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब ऐसा था कि यार अब करूँ क्या, दिमाग एकदम पूरा ब्लैंक रहता है। बट मैंने सोचा कि मैंने एक दिन दुख मनाया। मेरा आदत है कि मैं एक दुख एक दिन मनाता हूँ और शुभ 100 दिन, एक दिन दुख मनाया। उसके बाद मैंने सोचा आगे क्या है मेरे को देखते। मैंने देखा ACF का पेपर है जो 5 दिसंबर को होने वाला था और नवंबर में अक्टूबर में रिजल्ट आया था मेरा CGPSC 20 का। मैं बोला चलो लेट्स ट्राई, अटेम्प्ट मार, मेरा कोई तैयारी नहीं था उसमें। तो मेरा एक ध्येय मतलब लाइफ में कि असफलताओं से कभी डरो मत, क्योंकि असफलता में ही सफलता छुपी है आपकी। प्लस आप अपनी जो पास्ट जो परीक्षाएं हैं, काली परीक्षाएं हैं, उनको कभी भी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में आने मत दो। और देखिए कभी भी देखो असफलताओं का अंधेरा कितना भी क्यों ना घना हो, सफलता का जब सूरज चमकता है ना तो पूरे अंधेरे जो भी परछाई है, अंधेरी परछाई, वो सब मिट जाती है। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। तो आज हमारे साथ एक और लेजेंडरी बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद CGPSC एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। तो आज ये हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया हुआ है इस एग्ज़ाम को, 2018, 2019, 2020, 2021। हाँ, ये वो टॉपर है जिन्होंने 2021 का भी एग्जाम करा किया हुआ है, रिजल्ट अभी अवेटिंग है। तो आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो लेट्स वेलकम संजीव कुमार तारम जी, कैसे हैं आप? मैं बस तुम्हारा बताइए। मैं भी बढ़िया, थैंक यू सबसे पहले कि आपने इतना अपना टाइम निकाला है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं। Yes. तो आप बिजी रहते हैं एंड आप स्पेशली इस काम पे आए, तो थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार तारम है। फिलहाल मैं अभी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर रैकेट सर्कल 2 में पदस्थ हूँ। ये जनरली कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का एक पद है। और इसके पहले मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कि मेरी एक जर्नी जो रही है, आप चाहे बता शेयर कर सकते, जो एक तौर से दिलचस्प रही है, अच्छी खासी रही है। कभी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एकदम ज़्यादा चैलेंजेस रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है अगर एग्ज़ाम क्लियर करने की, वो होती 2016 से, जब मैंने पहली बार टेट 2016 क्लियर किया था प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए। आफ्टर देन मैंने पटवारी 2017 और 2019 एग्ज़ाम मैंने दो बार क्रैक्स किए हुए हैं। उसके बाद फिर ये उस समय मेरे जो मेन्स रिजल्ट थे CGPSC 18 के अपडेट थे, क्लियर नहीं हुए थे। आफ्टर देन इसे भी रहा मेरा प्री, फर्स्ट अटैम्प में ही निकल गया। फिर मैंने मेन्स शॉर्ट टर्म के तहत करते हुए मैंने मेन्स क्लियर किया, फिर मॉक के इंटरव्यू थ्रू फिर मैंने पोस्ट पाया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि आज आपसे ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेना है कि अलग अलग एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है, आपका क्या फिलॉसफी है कि किस आइडिया से कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या क्या इम्प्लाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, तो शुरू करेंगे। पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या किया आपने एजुकेशनल में? देखिए शुरुआती जो मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो दिल्ली राजरा से हुई है, जो माइंस एरिया के फेमस है, और उसका एक आगे बताऊँगा क्या इफेक्ट रहा मेरे लाइफ में। आफ्टर देन मैंने जो 12th की है वो रंजन गांव से किया होगा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की हुई है 2014 से 2018 के बीच में, वो की है मैंने GC जगदलपुर माइनिंग ब्रांच से, जो मेरे बचपन से जो था एक सपना था। आफ्टर देन जब मैंने फिर मेरा मई 18 को मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद मैंने जस्ट तुरंत मैंने अपना CGPSC के लिए तैयारी प्रिपरेशन चालू कर दिया। उसी के बिहार पर फिर मैंने वो February 19 में फर्स्ट जो मेरा अटैम्प्ट था CGPSC का वो दिया फिर। ग्रेट। और उसके बाद से जब जब आप दिला रहे हैं तब हाँ, तब आपका हाँ तब से मैं CGPSC 18 जैसे सर्किट खुद, उसके मैंने 19, 20 और 21 मैंने मतलब चार मेंस दिए हुए हैं और चारों इंटरव्यू फेस किए हुए। अब 21 का जो इंटरव्यू का रिजल्ट है अपडेट है, होप सो जल्दी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वो रिजल्ट का दिन कैसा था, जिस दिन रिजल्ट आया था आप उस समय क्या कर रहे थे, क्या हुआ था जब घर में बताया कि
हाँ होता क्या है कि देखिए हर स्टूडेंट के लिए एक सपना होता है कि फाइनल रिजल्ट आए और मेरा रिजल्ट मेरा नाम हो और मैं जरूर चिल्लाऊँ लिटरली। लेकिन उस दिन ऐसा था कि रिजल्ट आने में टाइम लग रहा था तो एक जो हार्ट बीट रहते वो एकदम हाई थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अब सब मेरे बहुत से दोस्त थे मतलब जिनका रिजल्ट आना था उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, सब वेट कर रहे हैं। ये कहाँ पर थे आप, बिलासपुर में थे? नहीं, एक्चुअली मैं इसके भी बताऊंगा, उस समय हम लोग दिल्ली में थे। अच्छा, एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम है मतलब युवा करियर योजना, यूपीएससी की तैयारी कराती है इसके तहत, उसके तहत मैं उसका भी एग्जाम हुआ था, उसको भी सिलेक्ट हुआ था उसमें मैं। और दिल्ली में जो द्वारका 18 में जो हॉस्टल गवर्नमेंट का, हम लोग वहाँ थे सब, वहाँ तैयारी करती यूपीएससी के लिए भी, तो वहीं थे हम लोग सब। और भी दोस्त थे मेरे सब यूपीएससी जो दे रहे थे और जीपीएससी का मीन्स भी देखे आए थे, इंटरव्यू देखे आए थे। अब हुआ तो सब वेट कर रहे थे, तो अब ये था कि धड़कन हाई। और सबसे पहली बात होती है कि जब आप हर चीज़ को फर्स्ट अटैम्प्ट में करते हो तो एक अलग ही एक डर भी रहता है और एक अच्छा भी लगता है, एक्साइटमेंट भी रहता है। तो मैंने थोड़ा सा रूम के बाहर आया रिजल्ट देखा, तब देखा तो कन्फ्यूजन था कि क्या पोस्ट मिलेगा। तो मैं बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मोबाइल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मैंने लोड नहीं लिया उस चीज़ के लिए। ठीक है, रिजल्ट आ गया, जो रैंक आया ठीक है, मैं सबको स्वीकार करता हूँ। उसके बाद मैं घर में था, फरवरी 2020 की बात है, मैं जस्ट हम लोग नाइट में खाना खाने के बैठे थे और मैं अचानक से मैंने मोबाइल देखा, उसमें फिर सिलेक्शन लिस्ट है, फिर मैंने घर और बताया। तो जो उनका रिएक्शन था कि जो मैं आज तक नहीं भूल सकता उस रिएक्शन को, फिर बताया उसके। फिर जून 20 में ही मेरा ज्वाइन लेटर आ गया था रायगढ़, फिर तो चला कि रायगढ़ सर्कल 2 हुआ। पहले तो लगा कि यार कहाँ दूर, मैं रनंदगांव का निवासी हूँ, रायगढ़ जाना पड़ेगा, कैसे होगा। फिर मैंने सोचा यार अभी तो एज है, अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा भाई, बाकी तो भाई हम तो फिर बीवी बच्चे के समय टाइम निकल जाएगा, खुद का लाइफ है, अब यंग एज भी है। उस समय मेरा एज था 23। तो फिर मैं बोला कि चलो चलते हैं, इसी बहाने एडवेंचर होगा लाइफ में। तब से मैं यहीं रायगढ़ में हूँ फिर, और यहीं से फिर तैयारी कर रहा हूँ आगे, फिर आगे बढ़ने के लिए। आई नो आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे, कब होगा CGPSC, इसके लिए कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे हमारे मेंटर्स ऑन अ वन ऑन वन कॉल सेशन। जैसे एक कपड़ा सबको फिट नहीं आता है, वैसे ही एक जनरल गाइडेंस हर जगह अवेलेबल है, पर अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सनलाइज गाइडेंस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मिले तो जल्दी से जल्दी बुक करें हमारा ये सेशन ओनली एट 99 रुपीज। अभी नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें। और हाँ, ये जो आप खर्च कर रहे हैं ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो थोड़ा सा अब हम लोग ना इसके डिटेल में चलते हैं आपके जॉब प्रोफाइल के, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे डाउट है कि कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर क्या करते हैं, कैसा जॉब रहता है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो एक एक करके मैं आपसे पूछते जाऊंगा। पहले मुझे आप अपने पद के बारे में बताइए कि इसमें आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। देखिए ये था हम लोग रिवेन्यू पार्ट है गवर्नमेंट के, जिससे जो क्या अदर डिपार्टमेंट्स से हैं वो उनको खर्च करने काम देता है, हमको कमाने काम देता है। तो हमारा जो रिलेशन रहता है वो रहता है व्यापारियों से, डीलर्स जो रहते हैं हम। तो जैसे कि जो भी व्यापारी होंगे, डीलर होंगे, इंडस्ट्रीज होगी, जो माल गुड जनरेट करेगी तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको मॉनिटरिंग हमको करना पड़ता है कि वो प्रॉपर में रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं। और कहीं का रिटर्न नहीं कर रहे, रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे वो, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसके बिहाफ पे उनको उनको इन्फॉर्म करें। और जो भी जो प्रोसेस है GST में लिखा हुआ मतलब उसको हमको पालन कराना हमारा काम होता है। प्लस हमारा एक हर इंस्पेक्टर का एक सर एरिया होता है, फील्ड होता है, जहाँ के जहाँ पर पूरा हमको जिसके बारे में हमको उसे जाना भी पड़ता है, प्लस हमको वहाँ काम भी करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आता है GST वेरिफिकेशन करना पड़ता है। हम लोग इसको स्पॉट वेरिफिकेशन बोलते हैं। इसमें यह रहता है कि जो नए नए डीलर जुड़ते हैं GST में, क्योंकि आज डेट में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो कोई बंदा पूरे भारत में से कहीं से भी बैठे GST रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। बट जो अप्लाई कर रहा है वो एक्चुअल में एग्जिट वहाँ करते ही करता, वहाँ पर है कि नहीं, उसका फिजिकल वेरीफाई करने का काम GST इंस्पेक्टर करता है। अगर GST इंस्पेक्टर वेरीफाई करता है तो हाँ वो जेन्युइन है। अगर वो उसको लगता है कि नहीं ये जेन्युइन मकसद नहीं है, अगर रिपोर्टिंग करता है तो फिर उसका GST नंबर कैंसिल भी जाता है। अच्छा, हाँ ये भी काम है। प्लस हमें दूसरा काम भी रहता है बोगस डीलर होना, ऐसे डीलर जो GST मतलब जो जिनका जो रेवेन्यू है
या टर्नओवर है वो मतलब एक जो जीएसटी का जो स्केल रहता है उसके ऊपर जा रहा है, बट वो जीएसटी नंबर नहीं ले रहा है, उनको जीएसटी नंबर दिलाना भी है। प्लस साथ में जो लोगों के अंदर में तो जीएसटी बारे में बहुत सारे मतलब बुरे ख्याल आते हैं पैसे कि जीएसटी में तो इतना महंगाई बढ़ गया है, ये सब होता है दुनियादारी, तो उनकी संकल्प दूर भी करना हमारा काम रहता है। क्योंकि हम फील्ड जाते हैं, लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बस कहने की बातें होती है कि जीएसटी से ये होता है वो होता है, बट आपको पूरा एकदम जिम्मेदारी से काम करना है इसमें, और कोई बड़ा हवा नहीं है। जिस टैक्सेशन तो शुरू से रहा हमारे यहाँ, बट उसका नाम बदलते रहे, पहले कमर्शियल टैक्स था, फिर सेल टैक्स हुआ, फिर वेट आया, फिर जीएसटी आया, टैक्सेशन तो हमारे शुरू से रहा है। बट वही है कि कुछ हर एक टैक्सेशन का काम करने तरीका अलग होता है, तो वही है, बट कहीं से भी आपको इफेक्ट नहीं करते ये, तो इसलिए आप चिंता ना करें प्रॉपर में। प्लस होता है कि कुछ कुछ व्यापारियाँ बिल नहीं काटते, बिलिंग का इश्यू होता है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि बिल मतलब कि 200 के ऊपर से ऊपर खरीदी पर बिल देना है, तो वो भी हमको मेंटेन करना पड़ता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस देखना कि जो अगर ट्रांजिस्ट हो रहा है कोई सामान तो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे बहुत से फर्दर वर्क रहते हैं। प्लस हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, जो हमारे हेड होते हैं, वो जो हमको काम देते हैं, चाहे किसी भी अदर डिपार्टमेंट से हमको कॉन्टेक्ट करना है, कुछ बातें कन्वे करनी है या उनसे कोई डिटेल्स लेना है, तो वो सब हमको करना पड़ता है। मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड, बहुत डाइवर्सिफाइड, और इसमें नॉलेज भी चाहिए ना, क्योंकि आपको भी पता होनी चाहिए बहुत। प्लस आता है कि कौन से धारा के तहत कौन सा काम होगा इसमें, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आपका अधिकारी आप अधिकारी के आँख हो, फील्ड में आप जा रहे हो, तो आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस नियम के तहत क्या होना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, तो हमें भी जानकारी रखते हैं हम। प्लस ऐसा नहीं कि हम सर्विस होते नहीं, हम ऐसा नहीं, तो हम जितना जानते हैं तो उतना जानते हैं, प्लस हम जाने की और कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकली बातें और एक्चुअल बातों में फर्क पड़ता है, तो हम कंडीशनल वाइज जो रहता है उसको भी हम समझते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, तो हमको नॉलेज बढ़ता है हमारा। तो बेसिकली और ये सब की ट्रेनिंग कहाँ पे मिलती है आपको, मतलब आप ये डायरेक्ट फील्ड में सीखते हैं कि आपको पहले पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है? नहीं नहीं, इसका ट्रेनिंग भी होता है हमारे यहाँ। पहले एक होता है फाउंडेशन ट्रेनिंग, जिसमें हर डिपार्टमेंट वालों के साथ रहते हैं, ताकि आपको एक हर जो डिपार्टमेंट्स है उनके एक जुड़ाव बन जाए, क्योंकि आपको काम हर से फिर से पढ़ना है, वो होता है। फिर होता है हमारा इंडक्शन होता है, जिसमें सिखाया जाता है कि आपको काम क्या है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको काम पड़ेगा, प्लस आपके जो नियम कानून जो है आप जीएसटी के अंतर्गत वो बताए जाते हैं, प्लस आपको घुमाया जाएगा अदर स्टेट में भी घुमाते हैं। जैसे अभी हमारे जो जूनियर बैच है 19 और 20 बैच के इंस्पेक्टर्स, वो अभी उड़ीसा गए हुए हैं कटक के लिए, हाँ, तो वो सब सिखाया जाता है। प्लस मेन होता है कि आप जो सीखेंगे वो फील्ड में ही सीखेंगे, एक्चुअल नॉलेज आपको फील्ड से ही मिलेगा, कि आप जाएंगे क्योंकि आप वहाँ पे लीड कर रहे हो, तो आप खुद एक कॉन्शियस रहोगे कि नहीं मुझे गलत नहीं करना है, तब खुद सीखोगे भी, प्लस वहाँ के कंडीशन समझोगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हर व्यापारी पर जाओगे तो सेम कंडीशन नहीं मिलेगा आपको, तो उस कंडीशन के पास कैसे काम करना है, कैसे बोल आपको मतलब आपका शब्दों का चयन करना है, आपको अपने सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं करना है, कि आप गलत फायदा ना उठा पाओ उस चीज़ का, तो वो सब सीखते हैं। फील्ड भी एक बहुत बड़ा काम जगह है हमारा सीखने का। और क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए आपका डीलिंग किन लोगों के साथ होने वाला, जो एकदम बड़े बड़े डीलर्स हैं, मतलब राइस मिल के मालिक हैं इधर उधर, मतलब जितने आप रईस लोग देख सकते हैं उनके साथ, और आप उन लोगों के साथ कैसे डील करते हो, तो वो लहजा वो शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब ऐसा कि देखिए, जैसे हाथ की जो पांचों उंगलियां समान नहीं होती, तो वो डीलर्स इंडस्ट्रीज नहीं होते, तो हमको पता है कि जो हमसे प्रेम भाव से बात कर रहे, तो हमसे प्रेम भाव से बात नहीं है, बट अगर जो जिनको है कि जिनको मतलब नियम से चलने सिखाना है, तो हमको नियम भी समझाते हैं कि भाई ऐसे नियम है करके, बाकी हम हमारा कोशिश रहता है कि कभी हम शब्दों गलत चयन ना करें, हम उसमें सेम रखते हैं हमेशा, ठीक सामने वाला जैसे कैसे व्यवहार करें हमसे, हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने एक दायरे में रहें, कभी उसका अतिक्रमण ना करें। आपके साथ पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है? नहीं, ऐसा पुलिस इन्वॉल्व नहीं रहती हमारे साथ। नहीं, आप ही लोग डील करते हैं? डील करते हैं, जैसे मेरे साथ तो मैं फील्ड जाता हूँ, तो मेरे साथ सरकार एक ड्राइवर रहेगा और प्रोसेस सर्वर जो प्यून रैंक का रहता है। ओके, हाँ, प्रोसेस सर्वर का काम यही रहता है कि हमें बताना कि कहाँ पे जो नोटिफिक हमारे पास नोटिस भी रहते हैं कुछ, तो कौन पर्सन कहाँ पे रहता है, जगह को घुमाने का काम हमको वो प्रोसेस सर्वर करता है। बाकी कंप्लीट लीड कहाँ पे जाना है, कैसे करना है,
वो सब हमारे अंदर होता है। और जब आप लोग छापा मारने जाते हैं तो कैसे जाते हैं आप लोग? छापा मारने डायरेक्ट पावर हमारे पास नहीं है, बट होता है क्या, जैसे कि अभी रिसेंटली में छापा जो पड़े थे, जीएसटी छापा पड़े थे स्टेट टैक्स के, तो उसमें हमारा काम सहयोगी कर रहा था काम, जिसमें हमारे अधिकारी लीड करते हैं और उनके साथ हमारा काम ये रहता है कि वो जो ऑर्डर दे करें वो हमको करना पड़ता, जिसमें हमको नजरी नक्शा बोलते हैं, मतलब एक पूरा मैपिंग करना, फिर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स को रीड करना क्या है वहाँ पे गलती पकड़ना, प्लस वहाँ पे जो ड्राफ्टिंग करना, वो सब हमारा काम रहता है, तो इससे चलते हैं। ओके, बहुत अच्छा काम है मुझे लग रहा है। पर ये मुझे आपसे जानना है कि क्या ये जॉब आपके सिर्फ मेल्स के लिए है कि फीमेल भी कर सकती नहीं, है? दोनों के लिए, हमारे यहाँ फीमेल्स भी हैं, सर इंस्पेक्टर्स फीमेल्स में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। ये बहुत मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपको एकदम सिंघम स्टाइल कोई करना है पे कि नहीं मैं छू यहाँ का जगह से वाला कुछ नहीं, क्योंकि आपके नाम के पीछे इंस्पेक्टर लगा हुआ है ना, इसलिए हम वर्दी नहीं पहनते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इंस्पेक्टर लगा हुआ था हमारे, देखिए इंस्पेक्टर हम लोग क्या है, हमारा जो रैंक है ना उसका एक्चुअल नाम है आपका, हम लोग सी क्लास एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव वर्क होता है कि आपको पूरा फील्ड में वर्क करना रहता है, तो हमारे में ऐसा कोई वर्कलोड है भी नहीं कि जहाँ हमको पुलिस की जरूरत पड़ जाए या फिर कुछ हमको एकदम दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ जाए। हमारा काम सिंपल सा रहता है, जो हमको रिवेन्यू पर्पज से वर्क करना है, जो होता है कि जैसे कि अब जीएसटी चल ही रहता है, जीएसटी से चल रहा है वेट, तो उसके पुराने असेसमेंट होते हैं, तो उसमें रिकवरीज के भी आते हैं, तो हमको रिकवरी व्यापारियों से करनी रहती है, जो भी डिमांड नोटिस कटता है तो उसके डिमांड नोटिस के बिहाफ पे हमको रिकवरी करनी रहती है, तो रहते हैं चैलेंजेस रहते हैं, बट वही हो जाते हैं, इतना मतलब कोई हार्ड काम नहीं पड़ता। आपका दिन कैसे शुरू होता है? एक नॉर्मल ऑफिस डे कैसा रहता है कि पहले आप ऑफिस जाते हैं कि डायरेक्ट फील्ड जाते हैं? नहीं एक्चुअली में क्या है, फील्ड ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग डेली फील्ड नहीं जाते, मतलब जरूरत के हिसाब से जाना पड़ता है फील्ड, तो डेली हम लोग ऑफिस में ही रहते हैं, जैसे कि हमारा 10 बजे चल होता है ऑफिस हमारा, तो हम ऑफिस जाते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, हमारे जो कुछ कन्वेंशनल काम होते हैं जैसे रिटर्न मॉनिटरिंग करना वो हम देखते हैं, प्लस हमारे जो भी हमको बैंक अटैच, जैसे हमको बैंक अटैच का पावर मिला हुआ, तो कुर्की तक का पावर मिला हुआ है अधिकारी को, तो उसके साथ बिहार में हमको मिला हुआ है, तो हमारे काम डिवाइड रहता है कितने टाइम में मैं इतना ये काम करूंगा, प्लस हमारे अधिकारी कुछ और काम देते साथ देते हैं, तो पूरा काम बटे रहता है, प्लस फील्ड जाते हैं तो फिर वो हमारी सुरक्षा पर रहता है कि हम किस टाइम क्या काम करेंगे, क्योंकि क्या होता है फील्ड में क्या एक ऑफिस में वर्क करना और फील्ड में वर्क करना बहुत आसमान अंतर रहता है, क्योंकि फिक्स नहीं था फील्ड में काम करना, कहीं में कोई कैसे कहीं ऐसे लोग मिलते हैं चैलेंजिंग लोग जहाँ पे डील करना तो दिक्कत जाता है, तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कहीं पर होता है कि तो इजी में समझ जाते हैं, उनको भी पहले इस पर नॉलेज है कि नियम क्या है, क्योंकि भी आप ये आएंगे ये काम है, तो हो जाता है इजी वे में। मुझे ऐसा लगता है ना बहुत सीखने वाला जॉब है ये, मतलब कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हो नई नई चीज़ों को, हर एक फील्ड वर्क में कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है आपको, मिलेगा मतलब जैसे कि क्या है ना, देखिए ऐसे हम लोग हमारा तो नॉर्मल पब्लिक डीलिंग नहीं है, हम तो व्यापारी उसमें, लेकिन वो भी तो इंसान ही है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलते हैं, प्लस आप कहीं जगह लीड करते हो तो आपके अंदर बहुत कुछ डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ स्टे करना है आज, कहाँ पे किस मतलब कहाँ कितना टाइम रुकना है, कहाँ किस बात किससे करना है, प्लस किसे किस कंडीशन को हैंडल करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, जिससे कि हमारे व्यवहार को भी बहुत, तो जो हमारा बिहेवियर है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट लाता है, क्योंकि तो हम जैसे कि हम स्कूल में थे कॉलेज में थे तो हम कहते कि हम जैसे जैसे हैं उस टाइप से हम दोस्त बनाएंगे, दोस्तियाँ रखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे सब, लेकिन फील्ड में ऐसे नहीं होता, आप जॉब में नहीं कर सकते, आपको यहाँ जो भी लगे जो भी लोग मिले सबको स्वीकार्य करना है, आपको सबको अपना ही मानना है, ऐसा नहीं कोई पराया नहीं है, सबसे साथ अच्छे से व्यवहार करना है, जो आपसे व्यवहार प्यार से व्यवहार करें उनसे प्यार से व्यवहार करना है, साथ में जो आपसे बदतमीजी भी करे तो उससे बदतमीजी नहीं करना है, उनसे भी प्रॉपर प्यार से व्यवहार करना होता है, कभी कभी क्या लोग नियमों का नॉलेज होता नहीं है, प्लस लोग क्या आज के डेट में जीएसटी बहुत हल्ला मचा कर रखे हुए, बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, कुछ भी नहीं होता देश में तुरंत जीएसटी नाम आ जाता है, तो क्या ये चीज हमको फील्ड में भी फेस करना पड़ता है कि साहब फील्ड जीएसटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, हम समझाते हैं देखिए सब आपकी भलाई के लिए हो रहा है, कोई सरकार कोई गलत मंशा नहीं है, तो सब हाँ वो सब कुछ मतलब जो कन्वे करना है सरकार की सोच को वो भी काम हम करते हैं। तब तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करो, और बहुत सारी चीज़ें और सीखने के लिए मिलने वाली है सर। अभी जो चेंज पैटर्न हो गया है
सीजीपीएससी का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा और इस फील्ड को अच्छे से जान लेते हैं, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या फायदे रहते हैं, गाड़ी घर घोड़ा क्या क्या मिलता है यहाँ पे सब बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए एक होता है कि हमसे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो क्लटेड से अलग रहता है, काम साथ ही में करते हैं बट हमारा ऑफिस क्लटेड से अलग है। तो फिलहाल तो मुझे तो सिर्फ सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलता, प्लस वो जो महंगाई भत्ता है जो तो मेडिकल एक्सपेंसेस वो साथ में रहती है और ओके। बट फील्ड जाने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है व्हीकल्स वही रहती है, बट वो भी हमारे पास पर्सनल नहीं रहता, ऑफिस की रहती है। तो जब हमको फील्ड जाना रहता है तो हम अधिकारी से मतलब उनके द्वारा गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, मतलब हम हो जाते हैं। बाकी तो अभी फिलहाल तो मैं खुद क्वार्टर ग्रुप मतलब किराए घर में रहता हूँ, सरकारी मतलब क्वार्टर ग्रुप अप्लाई नहीं किया अभी तक, और बहुत दिक्कत होता है उसमें, तो फिर कई शून्य मतलब नहीं किया। यही चीज है, पर अच्छा है मतलब ये जॉब के साथ साथ मुझे ये इसलिए जानना है ना, कई लोगों का अभी रिजल्ट आएगा उनके अंदर ये डाउट रहेगा कि क्या मैं इस एग्जाम के साथ इस पोस्ट के साथ अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूँ, मतलब आप लोगों का क्या टाइमिंग रहता है, उसके बाद कैसे आप मैनेज करते हो? इसका ना सिंपल जवाब मेरे पास है कि ना देखिए आपको करना होगा तब कर लोगे, नहीं करना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए 10 to 10 to 5:30 दस से साढ़े पाँच का टाइम तो आपको ऑफिस देना पड़ेगा। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे अभी फर्दर तैयारी करनी है तो मैं ये सब टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आप फिर तो जॉब ही करोगे, फिर जॉब छोड़ दो। सेम केस मेरे साथ भी है भाई, मैं अगर बोलूँ कि नहीं मैं 10 to 5:30 नहीं बैठूंगा ऑफिस में, मैं फर्स्ट हाफ बैठूंगा बस ऑफिस में, सेकंड हाफ में नहीं आऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, गलत हो जाएगा। आप नैतिकता से भाग रहे हो, सरसा ने आपको जिस चीज़ के नियुक्त किया आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हो। तो सबसे अच्छा कि आप पहले तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है। देखिए टाइम मिल जाता है, आप टाइम निकालोगे तो मिलेगा, जैसे मेरे पास भी मेरा भी सेम केस है, टाइम नहीं मिलता ज़्यादा क्योंकि मेरा तो अब इंस्पेक्टर जॉब हो जाता है, तो ऐसा है कि कभी जरूरी नहीं 5:30 को पास करूँ घर, कभी 6 बजे तक, कभी 7, कभी 9 बजे तक बोलूँ मैं ऑफिस में। और जिस दिन तो जाँच आप जैसे छापा बोले, एक्चुअली हमको जाँच छापा बोलते हैं उसको, तो उस दिन तो मैं अभी जाँच छापा हुआ था मेरा 3 दिन तक कंटिन्यू मैं डे नाइट जॉब किया हूँ, ऐसे बहुत बार क्यों हुआ है मेरा। तो सर फिक्स नहीं, बट हाँ जहाँ टाइम मिल रहा है आपको वहाँ कीजिए। साथ ही ये रहता है कि पहले आप ना ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है इसमें आप स्ट्रांग हो। होता है क्या, लोग बोलते नहीं हम सबको पढ़ेंगे, पहले आप वो डिसाइड कीजिए कि आप किसमें स्ट्रांग और किसमें वीक हो, स्ट्रांग को और अच्छे स्ट्रांग कर लीजिए। लगता है कि आप अगर स्ट्रांग सब्जेक्ट्स को अगर नहीं पढ़ो तो बन जाएगा, जो वीक है उसको पढ़ो, तो मैं वही करता हूँ। मैं पहले जो मेरा जो वीकनेस सब्जेक्ट्स है उसको पहले टैकल करता हूँ, और जो नेसेसरी है जो डायनेमिक पोर्शन है मैं उसको पहले तैयारी करता हूँ, बाकी तो स्टैटिक पोर्शन तो हो जाते हैं आराम से। ओके एक लास्ट क्वेश्चन इस पोस्ट से रिगार्डिंग कि प्रमोशन हायरार्की क्या है, कितने साल में आप क्या क्या बन सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए जैसे कि इसमें तो एज भी एक बड़ा फैक्टर वर्क करता है, प्लस प्रमोशन के साथ भी रहता है कि पोस्ट है कि नहीं। एक्चुअल में जैसे कि प्रमोशन जैसे कि होता है क्या है कि एक रेशियो बटा रहता है कि जैसे इंस्पेक्टर भी हम लोग हैं तो 100% इंस्पेक्टर का जो सिलेक्शन होता है वो एग्जाम थ्रू नहीं होता, इसमें भी 60-40 or 50-50% का रेशियो होता है, सॉरी मुझे नॉलेज नहीं है फिलहाल इतना, लेकिन इतना रहता ही है। इसमें से सिर्फ एक लिमिट तक का जो सिलेक्शन है 50 or 60% वो थ्रू बाय डायरेक्ट एग्जाम के तहत आते हैं, जैसे CGPSC और कुछ होते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम के तहत, फिर दोनों प्रमोशन पाते हैं। जनरली बोला जाता है कि 5 CR के बाद आपको STO बनेगा, मां स्टेट टैक्स ऑफिसर। 5 CR मतलब इसको मतलब करेक्टर आप रिकॉर्ड बोल लो या फिर आपका एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कैसे काम किया 5 साल का। अच्छा अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बोलते हैं कि हायरार्की टैक्स बन रहा था उसमें। हाँ। ताकि उसके सब क्योंकि देखिए जैसे मतलब कहीं ना कहीं एज के साथ आपके परफॉर्मेंस का भी परफॉर्मेंस एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मान लीजिए उसको कि आप कैसे एक साल में कैसा काम किया आपने। प्लस होता है क्या कि जितना अगर 100 इंस्पेक्टर है तो जरूरी नहीं कि 100 पोस्ट ऊपर हो, 100 ST पोस्ट नहीं हो सकते, तो अनलिमिटेड पोस्ट है, तो जो बेस्ट होगा वही ऊपर जाएगा, तो उसके लिए 5 CR की जरूरत पड़ता है जिसका आंकलन किया जाता है, इसमें से कौन अच्छा है किसको प्रमोशन दिया जा सकता है किसको रोका जा सकता है। तो ऊपर STO बनते हैं हमारे यहाँ, 5 CR बोलते हैं उसको, 5 CR के बाद मतलब 6 साल लगभग 6 साल लगता है कि STO बनने के लिए हमारे यहाँ मिनिमम। उसके बाद STO के बाद बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, उसमें भी 5 CR का ही बोला जाता है। आफ्टर देन असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं डिप्टी कमिश्नर,
वो भी सर्कल के ही हेड, मतलब एक कंप्लीट सर्कल के हेड होते हैं, चाहे दो सर्कल क्यों ना रहे उसके अंडर में। और डिप्टी कमिश्नर के बाद बनते हैं हमारे ज्वाइंट कमिश्नर, जो एक डिवीजन संभालते हैं, पर एक संभाग के आयुक्त होंगे वो। आफ्टर देन फिर एडिशनल, फिर वही जो अपर ज्वाइंट कमिश्नर के बाद अपर कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर। मतलब सीटीआई से आप कमिश्नर तक जा सकते हैं? फिलहाल इस रैंक से तो नहीं जा पाऊंगा, बट वी डिप्टी कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर तक जा सकता हूँ। डिप्टी कमिश्नर जॉइंट, क्योंकि आपने बहुत यंग एज में क्रैक किया ना, इसलिए एज का एक फैक्टर मेरे को बहुत फायदा करेगा। हाँ। क्योंकि मेरा अभी मेरे पास 35 प्लस ईयर का जॉब है बचा हुआ है, तो उसमें आप हर 5-5 साल में, अगर 6 साल का भी अगर मैं एवरेज निकालूं तो फिर तो मैं 4 या 5 पोस्ट तक पहुंच जाऊंगा तक आप जा सकते हैं। तो मतलब इस तरीके का है क्या ना, कई लोगों को इंटरेस्ट रहता है ये चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर रहता है कि भैया मैं लास्ट कहाँ तक जा सकता हूँ करके। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को डिस्कस कर लिया। एक और लास्ट में कि कहाँ रहता है आपका जॉब, गांव में रहता है, शहर में रहता है, सर्कल्स क्या होते हैं इसके बारे में? देखिए क्या होता है कि जैसे कि एक हमारा जो सर्कल होता है वो जिला के में सीमित नहीं है, जिला के दायरे में नहीं आता हमारे यहाँ। जैसे कि मैं रायगढ़ सर्कल 2 में पोस्ट हूँ, अब सर्कल 2 मतलब सर्कल 1 भी होगा, तो सर्कल 1 का पास आधा रायगढ़ है, जिसमें अगर आप मैप देखा जाए तो जो सारंगढ़ एरिया हो गया वो हो गया, जो सारंगढ़ जिला आता है पार्ट वो, प्लस जो पुसौर सरिय बोलते हैं, सर्कल 2 में आता आपका रायगढ़ का आधा हिस्सा, जिसमें धर्म जयगढ़ ले लूँगा, खरसिया, तमनार, ये सब एरिया आता है, प्लस पूरा जसपुर जिला सर्कल 2 के अंदर आता है पूरा। तो ये डिपेंड करता है कि व्यापारियों के ऊपर कितने रजिस्टर्ड डीलर्स आपके अंदर, माना जाता है कि अगर 4-5 हज़ार डीलर हैं तो एक सर्कल बन सकता है। प्लस इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि शहर में काम होगा गांव में, जहां जहां जिस टीम पर लिया जाएगा वहां पर जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी गांव किसी भी एकदम कोने में हो जिले के जाना पड़ता। मैं गया भी हूँ, तो जसपुर जिले का सबसे लास्ट जो बाउंड्री वो लोदाम पड़ता है, जहाँ तक मैं गया वहाँ भी वेरिफिकेशन था, वहाँ भी वेट के टाइम की रिकवरी थी, तो जाना पड़ता है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते कि मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पे काम है आपका, आपको करना है, जाना पड़ेगा। तो सर ये बताइए कि आपका सर्कल जसपुर है, आप रायगढ़ में बैठते हो, ये कैसे? मतलब एक्चुअल में होता क्या कि देख, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इसी जिला तक सीमित नहीं हम लोग सर्कल, तो होता क्या कि जैसे कि हमारे यहाँ पहले तो 6 इंस्पेक्टर थे, अब फिलहाल तो वर्तमान 5 इंस्पेक्टर थे, तो हर इंस्पेक्टर को एक ब्लॉक्स होते हैं सर्कल में, से कि हमारे यहाँ समथिंग 14 या 15 सर्कल्स हैं, सॉरी ब्लॉक्स हैं, तो हर इंस्पेक्टर को कोई ना कोई ब्लॉक दिया जाता है, जिसके रिगार्डिंग तो इसी तहत मेरे को फिर जसपुर ब्लॉक, कुनकुरी ब्लॉक और दुदला ब्लॉक, ये मेरे को मिला हुआ है, यहाँ की मॉनिटरिंग करना, यहाँ पे पूरा जो भी सुपरविजन का काम है मैं करता हूँ उसको फिर। ओके चलिए, तो हम लोगों ने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया सीटीआई के रिगार्डिंग जितने भी। हाँ, ये रहता है कि बहुत लोगों को क्या रहता है कि बस इतना पता है कि डीसी क्या होता है, डीएसपी क्या होता है। हाँ। बट होता है कि नहीं, उनको बस इनको सिर्फ दो चीज़ें, जैसे कि यूपीएससी में सेम थिंग्स है, उसमें तो बहुत से पोस्ट आते हैं, बट लोग पता है सिर्फ आईएएस होते हैं कि आईपीएस होता है, नीचे आईआरएस होता है, बहुत से पोस्ट होते हैं, तो वही कि बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं ये होता क्या है भाई, तुम करते क्या हो। बहुत लोग तो मैं जब बताता हूँ कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, तो लोग मुझे ऐसा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इग्नोर कर लेते हैं, तो नहीं बताता हूँ कि नहीं यार वो अलग पोस्ट है। बहुत मैसेज आते हैं भाई तो इनकम टैक्स में बता ये क्या होता। तो ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे साथ। समझाना पड़ता नहीं भाई, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर, इनका प्रोफाइल बहुत अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है, मानता हूँ कि वो भी रेवेन्यू सोर्स। जीएसटी वाले ऐसा है ना कि वो वैसे भी बड़े डीलर्स के साथ डील करते हैं ना, क्योंकि जीएसटी के रेंज में आना ऐसा है कि आप बहुत अच्छा इनकम है या मतलब आपका ग्रॉस है, इसलिए कि सर्विस सेक्टर है, अगर किसी को सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख टर्नओवर है आपका एक साल का, तो आपको जीएसटी में लेना पड़ेगा। सेम केस अगर आपका 40 लाख का आप गुड्स बेच रहे हो एक साल में, मतलब ईयर में, तो आप जीएसटी में लेना अनिवार्य है। साथ ही ये बस एक दो क्राइटेरिया जो लोग को लगता है कि बस यही दो है, इसके अलावा और भी है। इससे क्या, अगर आप इंटरेस्टेड करते हो, सामान खरीदते हो, तो आप अगर 1 रुपये का भी खरीद रहे हो तो लेना पड़ जाएगा आपको। बस अगर आप ई कॉमर्स साइट में अगर आप और बिजनेस कर रहे हो और आप इस स्केल में नहीं आ रहे हो 20 लाख 40 लाख, तब भी आपको लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर। तो कुछ रहते हैं क्राइटेरिया, तो अब मेन वही है कि लोग को इतना नॉलेज होता नहीं, उनको लगता है कि हाँ भाई हमारा काम करें तो हम क्यों ध्यान दें, बस वही चीज़ें चलता है। तो हमारा काम है कि हम लोगों को समझाएं कि नहीं तुम्हारी जिंदगी को इतना एफर्ट, ये तो ये कितना मतलब प्रभाव डालता है तुम्हारे जिंदगी में, कितना जरूरत है तुमको इस चीज का। ओके
थैंक यू आपको, क्योंकि ना बहुत कुछ बता रहे हैं जो लोगों को एक्चुअल में समझ में नहीं आता है। सही कहा आपने, बड़े पोस्ट्स के बारे में ना सबको हाँ। पता है, पर इधर कभी जब पता चलेगा ना तो लोग लेंगे इंटरेस्ट यार, मुझे भी बनना है कि हेल्प करना है, लोगों को समझाना है ये चीज़। तो अब थोड़ा सा हम लोग ना एग्जाम परस्पेक्टिव से आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्स के बारे में आप बताइए। CGPSC आपने कई बार क्रैक किया हुआ है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स क्या हो रहा है CGPSC में, ये क्या अचानक से शिफ्ट आ गया, आपने क्या देखा, आपने अपनी कैसे स्ट्रैटेजी को चेंज किया, इसको बताइए। जी होता क्या है कि जैसे कि आप पढ़ाई कर, क्योंकि सबको पता है कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, लैंग्वेज तैयारी करना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो बहुत से जो सब्जेक्ट, साइंस पढ़ना हो गया, टेक्नोलॉजी पढ़ना हो गया, फिलोसफी हो गया, सब बहुत मतलब सब्जेक्ट्स हैं इसमें, आपको शुरू से पता रहता है, तो आप तैयारी कर। तो अब जैसे कि प्री हो गया, प्री है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव वन लाइनर फैक्ट के तहत पढ़ना पड़ता है कि हाँ इतना पढ़ ले, इतना होना चाहिए। बट जो अगर मैं जैसे 18 से देख रहा हूँ सिनेरियो, जो एक सिनेरियो था 12 से 17 तक का, उसका पैटर्न अप्रोप्रोक सेम रहा, 18 में ड्रेस्टिकली चेंज हुआ। बहुत लोग उस चक्कर में बहुत कन्फ्यूज रहे। पहले एक था थॉट, मैं जब शेयर करना चाहूँगा था, पहले जैसे मैं खुद जब 18 के लिए जब CGPSC 18 की तैयारी कर रहा था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बोला था अगर आप 50 क्वेश्चन भी बना लिए तो आप जनरल कैटेगरी से सेलेक्टेड हो। लोगों के दिमाग में यही था चीज़ था, 18 में पर आगे बहुत ईजी आ गए थे, लेकिन लोगों के दिमाग में ये था कि नहीं, बैठ गए थे पहले से 50% क्वेश्चन बनाओ पास हो जाएंगे। बहुत लोग उसी एक गंगा में पूरा बह गए, उसी बाढ़ बह गए। बट मेरा एक ध्येय था कि मेरा शुरू से ये ध्येय रहा कि आप ये सब चीज़ों मत पढ़ो, आप जितना टाइम कर सकते हो करो। मैंने समझ 65 क्वेश्चन टाइम किए थे, क्योंकि दिमाग में हमारे भी था 50 क्वेश्चन वाला, बट हमने बोला नहीं यार, जहाँ तक पहुँच सकते मारते अटैम्प्ट, होपफुली, और सही भी हुआ, सिलेक्शन हुआ। बाकी 19 का भी सेम पैटर्न रहा 18 के हिसाब से, कि पेपर मतलब क्वेश्चन के लेवल इतने हार्ड नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होते हैं इस मामले में। 19 फिर जब 20 का पेपर हुआ तो पैटर्न बहुत कुछ चेंज हो गया। बहुत लोग समझ नहीं पाए इस पैटर्न को क्या हो रहा है, बल्कि पैटर्न इतना हार्ड भी नहीं था अगर आप इसको सॉल्व ना कर पाओ। अगर आपको इतना पता है कि अगर आप पहले सोच चाह रहे हो कि पेपर इस बार भी ईजी आएगा या इस बार भी हार्ड आएगा, तो आप पक्का आप भागोगे। कभी आप थॉट में मत लो कभी ज़िंदगी में कि ये पेपर हार्ड आता है ईजी आता है। आप जाओ ये सोच जाओ बस मुझे जाना है, मुझे 2 घंटा प्रॉपर में पेपर बनाना है, सॉल्व करना है, और मुझे उन्हीं क्वेश्चन पे पहले अटैम्प्ट करना जो मुझे ईजी में बनते हैं, और उसके बाद फिर देखो कि आप कितना क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर पा रहे हो। लगता है कि आपको नेक्स्ट राउंड भी मानना है, भी मारिए। बट अब ये मत सोचना चाहिए कि पहले से नहीं, आज इस बार पेपर ईजी होगा, हार्ड होगा, या इस अगर लास्ट ईयर इस पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, जैसे कि हिस्ट्री से कभी क्वेश्चन ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हाई हो जाता है, कभी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन राइज हो जाता है ज़्यादा। आप पहले से दिमाग बनाओ, आप हर सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर अटेंशन दीजिए, क्योंकि कोई क्योंकि देखिए हम आप ना आप नहीं जानते ना, मैं नहीं जानता कि पेपर कैसे आने वाला है। तो अच्छा है कि सबको एक प्रॉपर अटेंशन दीजिए, रेगुलर अटेंशन दीजिए, बाकी पेपर जैसे भी है। देखो सब पेपर अगर हार्ड है सबके लिए हार्ड है, ईजी सबके लिए ईजी, मैं मान चलता हूँ। तो इसलिए कि मैं दोनों नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि भाई पेपर मिले अच्छा है, उनको सॉल्व करना है। सेम थिंग हुआ 21 के में, मैं आपको बताऊँगा रियल, मेरे शुरू के मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे। जब मैंने पेपर देखा मेरे दिमाग पहले तो सब मेरे भी चकराया था कि क्या आगे करके, डर हमको भी लगा। कौन से ईयर का बता रहा है? 21 का, जो बहुत लोग का डाउट रहा। तो मैंने शुरू के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे मैंने, तभी मेरे लेकिन मैं ऐसा मेरा था कि बहुत लोग ये रहता है कि पहले क्वेश्चन पे ही अटैम्प्ट लगे थे, नहीं पहले जब तक पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा तब मैं दूसरा क्वेश्चन देखूंगा ही देखूंगा। मैंने देखा पहला क्वेश्चन लगा बन सकता है, लेकिन बोला कि टाइम लगेगा, मैं छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करते 20 क्वेश्चन को 21वां क्वेश्चन से मैंने पहला का अटैम्प्ट किया मैंने, तो मैंने वहाँ से 21 से 100 गया, फिर देखा कि मैंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, फिर मैंने रिवाइव पिछाया जिसमें लगा था कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, फिर मैंने उसमें अटैम्प्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ईजी वे में मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देख चुका है, मुझे पता है कि अब कौन से क्वेश्चन में ध्यान देना है और कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। कि बहुत लोग क्या लगता है कि हर क्वेश्चन बनाने लायक है, ये सबसे बड़ी गलती है। अलग सोचते हैं कि नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं बना मुझे, मतलब मैं गलत हूँ या मुझे नहीं आता, तो मेरे लिए शर्म की बात है। अलग उसी एक गिल्ट में उसी एक ईगो में बोलते हैं जय माता दी लेट्स रॉक, जो एक पैटर्न रहता है लोगों का उसमें पहुँच जाते हैं, तो बहुत उसी गलती करते हैं। ये है कि देखिए आप अगर लगता है कि अगर
हार्ड जा रहे पेपर, तो आप संभल नहीं। और मुझे लगता है कि ये सब जितने सिलेक्टेड होंगे प्री में, सबका का अप्रोक्स सेम यही रहा होगा कि यार हार्ड है पेपर, संभल के बनाना चाहिए। कैसे हार्ड किया गया इस बार आप मतलब बताइए कि हार्ड का सिंपल थॉट था। हार्ड मतलब उस स्टेप्स नहीं हो सकते, मतलब कि एक तो कूट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूपीएससी पैटर्न होता है, कूट में आ गया तो बहुत लोग क्या है, लोग पहले से जीपीएससी का था नहीं, ज्यादा कूट क्वेश्चन पूछता था नहीं, इस बार कूट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ दिया, तो लोगों को लगा कि यार ये क्या सा हो गया, लोगों को लगा यूपीएससी पैटर्न है, तो लोग को दिमाग चल गया। प्लस कुछ कुछ होता है कि वन लाइनर फैक्ट, ये क्वेश्चन है इसका जो जवाब है, तो हर किसी को अच्छा लगता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन इस बार कम थे। प्लस इस बार जो कुछ क्वेश्चन के दायरे थे वो बढ़ गए, क्वांटिटी से बढ़े, हिस्ट्री से बढ़े, मुझे भी कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं पते, बट मैंने बोला कोई दिक्कत। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उनको लोगों को लगा क्वेश्चन हार्ड लग लगा, और बहुत क्वेश्चन ऐसे थे कि बंद थे, बट वही है कि लोग डायलेमा फंस गए कि यही है कि नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है एक लेवल पे आके। तो फिर वही चीज़ था कि लोगों को हार्ड लगने लगा, इसी भैया पे हार्ड लगने लगा, तो फिर वही चीज़ था। ओके, मतलब इस बार ऐसा नहीं था कि वन लाइन ऑफ फैक्ट्स नहीं थे इस बार, क्योंकि पीजीपीएससी का एक रहा रिकॉर्ड रहा है ना कि वन लाइन ऑफ फैक्ट पूछेगा, लेकिन इस बार उस स्टेप्स पैटर्न में नहीं है, तो लोग लगा नहीं है तो अलग ही दुनिया पहुँचा दे क्वेश्चन फेवले पैटर्न तो था, लेकिन ठीक था। मतलब पेपर ऐसा नहीं कि एकदम ही, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बने, क्योंकि नहीं बनता तो भाई सिलेक्टेड होने वाले बंदे भी नहीं थे उतने सारे जितने सिलेक्ट हुए हैं अभी, तो वही है। ज्यादा दिन नहीं, अगर मान लेते हैं इस बार हो गया कि अभी नोटिफिकेशन आ गया नवंबर, तो हम लोगों के पास समझ लीजिए 3 महीने हैं करीब, तो 3 महीने की आप स्ट्रेटजी बताइए प्रीलिम्स के लिए। पहले तो देखिए क्या होता है कि पहले तो आप लोग क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले नहीं सोचते कि मैं एक टाइम टेबल बना लूँ, देख लूँ कि भाई क्या कौन कौन सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं। होता है क्या, कुछ सब्जेक्ट एकदम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनको आपको बार बार अटेंशन देना पड़ता है, कुछ होते हैं जो एक बार पढ़ लिया तो मतलब जिंदगी में फुर्सत हो गया। पहले आप बैठिए, पहले शांति से खुद, पहले खुद से बैठिए, ऐसा नहीं आप 10 लोग मेरे ग्रुप में बैठे हो, नहीं खुद से बैठिए, पहले अकेले देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पहले उसको पहले राइट आउट कर लीजिए, उसको देखिए कि किसमें कितना अटेंशन देने की जरूरत है आपको। जैसे कि मैं कुछ कुछ टॉपिक्स सब्जेक्ट को मैं ध्यान नहीं देता, जैसे साइंस हो गया मेरा पहले शुरू से स्ट्रॉन्ग है, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम ईगो में बोल रहा हूँ, पहले से पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास जॉब भी है, जॉब भी करना है, तो मैं एक नॉर्मल एक्सपीरियंट की तरह 8-10 घंटा नहीं पढ़ सकता, मुझे पता है कि क्या कैसे करना है। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट को तो अलग कीजिए आप जिसमें आप कोर सब्जेक्ट आपका जो मजबूत है वो, ताकि जिसमें आप अगर कम अटेंशन देंगे तो भी आपसे बन जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट से क्वांटिटी हो गया आपको हर बार टाइम देना पड़ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर जिसमें आपका फिलोसफी सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक्स आते हैं कि हर बार रिकॉर्ड क्वेश्चन अराइज होता है फिलोसफी से, आर्ट एंड कल्चर तहत ही आते हैं, तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही बहुत लोग क्या करते हैं, मैथ्स को बहुत लाइट लेते हैं, मैथ्स और रीजनिंग को बोलते नहीं यार हम तो लैंग्वेज से बना लेंगे, नहीं गलत हो जाता है कि आप सिर्फ एक ही सिंपल एक सब्जेक्ट पर नहीं बढ़ सकते आप, तो मैं लैंग्वेज तो मैथ्स पे भी ध्यान देता हूँ, चाहे वो भी बनता है इजी से, लेकिन हर बार पैटर्न बदलते हैं, हर बार आपको एक नए तरीके से सोचना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, तो आप जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं मारोगे उसमें, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला आपसे, तो ये हो गया। प्लस आपको ऐसा कुछ जो मेन रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री, अगर इसको आप ये सोच चलो ना कि आपको मेन्स देना है तो उतना मेहनत करो आप पहले से, तब मेन्स लीजी पड़ जाता है वो, तो कुछ तो उसको अच्छे से आप डेटा की तैयारी कर लो अभी से, तो डेटा पे ध्यान दो। प्लस सबसे महत्वपूर्ण को दो चीज़ लगता है, जो लगता है एक तो करंट अफेयर्स, प्लस दूसरा आपका बजट और आपका आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे, मैं इन पर ज़्यादा प्रॉपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये हमसे डायनेमिक है, ये हर बार बदलने, क्योंकि CGPSC रिकॉर्ड ये रहा है कि लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछता है, जनवरी महीने तक जुलाई से दिसंबर तक का, तो उसके आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग के आजकल वो आने लगे, मैगजीन आने लगे, कोई सब्जी आपको जो भी मैगजीन अच्छा लगता है करंट अफेयर्स को पढ़िए। और ये नहीं कि एग्जाम जस्ट एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, मेरा था कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ ताकि लास्ट टाइम तो बढ़े ना। सेम होता है आर्थिक सर्वेक्षण, 16 भाग होते हैं उसमें, आप 16 भागों को पढ़ने बैठोगे या किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट को भी अगर नोट्स पकड़ोगे तो आप टाइम लगना है, समझना पड़ता है, क्योंकि उसकी टर्मोलॉजी होते हैं, उसका ज्ञान आपको पहले से नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे, पूरे चैप्टर आपको हो जाएगा। तो ये है कि जो आपका डायनेमिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, हिस्ट्री बदलना नहीं है,
कॉन्स्टिंग बस ये है कि अमेंडमेंट्स हो गए कुछ कुछ, जैसे कि हाँ न्यूज़, आप न्यूज़ में ऑल टाइम एक्टिव रहिए। बहुत लोग गलती ये करते हैं, एस्पिरेंट की गलती में देखा हूँ, वो न्यूज़ नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। उनका ये कहना था भाई हम लाइब्रेरी जाते हैं वहाँ पढ़ लेंगे, फिर आप लाइब्रेरी पढ़ने अपना का पुस्तक पढ़ने जाओगे कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे? तो कम से कम एक रूम में अपने न्यूज़पेपर कोई सा भी माध्यम का हो, हिंदी हो या इंग्लिश का हो, आप मंगाइए। ताकि क्या होता है कि आप दुनिया से जुड़े रहोगे। कभी कभी क्या होता है आप करंट अफेयर्स से पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिव पढ़ रहे हो, बट क्या होता है क्वेश्चन वहाँ से रह जाते हैं जो करंट में भी अपडेटेड है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ फ़ायदा करता है। ताकि कुछ कुछ कभी होते क्या है, कोई जो ऐतिहासिक जगह होती है उनका इतिहास होता है जो आप बुक में पढ़ रहे हो बट न्यूज़ में भी है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आने के। ये पैटर्न आपको यूपीएससी में भी फायदा करेगा, ना कि सिर्फ जीपीएससी, आप कोई भी पीसीएस दे दो आपको फायदा करेगा। क्योंकि जो न्यूज़ में हाईलाइट है, क्योंकि पेपर सेलेक्ट करने वाला भी वही न्यूज़ पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो डेली, तो उसके मन में होता है कि नहीं ये हाईलाइटेड है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दे सकता है, तो दे आता भी है, बहुत फायदा करता है। तो अगर आप 3 महीने का देखा जाए तो सबसे पहले तो आप टाइम टेबल सेट कीजिए, प्लस सेकेंड थिंग आप ये देखिए कि आप किस कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले आपको पहले कौन से पढ़ना है कौन से बाद में। क्योंकि होता है क्या कि कोई सब्जेक्ट पढ़ लिए एक बार तो नहीं भूलोगे, आपको सब्जेक्ट पढ़ लिए भूल जाओगे। तो होता है कि अब ह्यूमन थिंग्स है, ह्यूमन अब वह है, अब कितना बियर करेगा, तो पहले उन सब्जेक्ट को तैयार कीजिए आप एक लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। और नज़दीक में तो आप उन सब्जेक्ट को डायनेमिक पोर्शन को तैयार कीजिए नज़दीकी पहुँचते पहुँचते। इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बजट का आप ऐसा कि आप मोटा मोटे जान लीजिए क्या है कैसा है। प्लस हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, योजना है। योजनाओं से बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं, और अब तो डायरेक्ट डेटा वाइज उठते हैं। जैसे कि हम जब हम 18 का देने गए थे प्री और मेंस दोनों, तो उसमें सरकार की 3 मेन एकदम लाइफ मेन योजनाएं थी, जिसमें आपका एक तो नर्मदा ग्रो बाड़ी योजना, बिजली माफ हो गया। तो ये सब जो योजना आती है तो अराइज होता है, और करंट अभी तो मैं 19, 20, 21 जब दे रहा था तो अराइज हो रही है। तो आपका एक पकड़ होना चाहिए, जरूरी है आपका। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं शासन का हिस्सा बन जाऊंगा तब मैं इन योजनाओं पर ध्यान दूंगा, नहीं। आपको शासन हिस्सा बनने के लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगा, अभी से आपको शासन समझना पड़ेगा कि वर्क कैसे करता है, तभी आप, क्योंकि अब तक आप एक उस टाइप का एटीट्यूड नहीं लाएंगे कि मेरे को ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आप सिलेक्ट हो ना हो अलग बात है, बट आपको नॉलेज तो होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते, तो भी देना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट तो इतना अच्छा हो गया कि बुक्स ही का संभल हो गया, गवर्नमेंट का बुक है वो, तो ये सब क्या है, इसमें योजनाओं को पूरा अच्छे से मतलब डेटा जो एक एग्जैक्ट डेटा जो है एक्यूरेट डेटा आता है वो काम आता है। चलिए गवर्नमेंट ने एक इस बुक निकाला है नया नया अध्याय करके, न्याय का सॉरी नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो वो है उसमें पूरा गवर्नमेंट की स्कीम दी हुई है। तो आपको इसकी भी तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अराइज होगा, और ना इससे प्री में मेंस में बहुत कम आता है, चाहे वो ऐसे हो चाहे फिर इकोनॉमिक्स पार्ट हो, मतलब हर पार्ट में पूछ रही है, चाहे आपको 7th पेपर क्यों ना हो तो ये काम आता है। ठीक है, तो 3 महीने में मतलब टाइम टेबल बना के आपको क्या होता है कि हर किसी पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं किसी को स्पेसिफिक ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसा ही पढ़ो, क्या कि हर किसी पढ़ने का बोला पढ़ने का तरीका अलग है। सबसे पहले कि इसमें से आपको कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे भी टाइम टेबल बेसिक है, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए ये बेसिक है, प्लस क्या डायनेमिक है क्या स्टैटिक पोर्शन है वो होना चाहिए। प्लस ये नहीं कि आप अगर 14 फरवरी अगर मान लें मिड फरवरी को पेपर हो रहा है तब उसके एक दिन तक पहले रटे जा रहे हो, नहीं वो भी नहीं है। कम से कम आप 5-6 दिन तो मिनिमम पूरा कंप्लीट कर लो अपना, और लास्ट डे में जितने भी हाँ सबसे मेन होता है कि लोग क्या करते हैं टेस्ट सीरीज नहीं देते जो मस्ट है। मेरी नज़र में मस्ट, मैं आज भी टेस्ट सीरीज देता हूँ, चाहे मैं कितने मैं तो 3-4 बार मीन्स प्री निकाल चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि अब तक आप गलती नहीं करोगे, आप नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फील्ड में नहीं आप छक्के नहीं मार सकते। तो पहले आप नेट प्रैक्टिस कीजिए, और सबसे अच्छा कि उसके लिए है बेस्ट है टेस्ट सीरीज। आप खुद से आंकलन मत करना कि क्या करना, आप पहले देखो टेस्ट सीरीज में क्या कितना मन मिल रहा है, देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप टेस्ट सीरीज में समझ आ गया आपको कि गलती कहाँ हो रही है आपकी, कहाँ आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में गलती कर रहे हो, कहीं हड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो, कहीं क्वेश्चन में लिखा कि नहीं है और आप हाँ है करके आप ऑप्शन मार टिक कर रहे हो, ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको ना टेस्ट सीरीज से समझ आती है कि क्या होगा कैसे होगा करके, तो ये बहुत मस्त होता है। तो आप वैसे लास्ट में मैं पढ़ता नहीं,
बट जो भी टेस्ट सीरीज दिलाया था मैं उसको रिज्यूम करता हूँ ताकि समझ आता है कि हाँ मेरी गलतियाँ क्या, और मैं बहुत फायदा किया हमेशा किया है पेपर्स में हमेशा, चाहे कोई पेपर हो। तो टेस्ट सीरीज कब से दिलाना चाहिए, कितने टेस्ट सीरीज दिलाने चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई एकदम अल्टरनेटिव एकदम वैसे कोई क्या बोलते हैं क्वांटिटी तो नहीं है कि कितना देना चाहिए, बट ये है कि जितना आप अपने स्तर पर दे सकते हैं। और मैं बोलता हूँ देखिए आपको 10 देखिए 10 टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं और एक भी नहीं। आप सबसे सिंपल बात है कि आप कितना टाइम दे सकते हो टेस्ट सीरीज को, क्योंकि एक टाइम जाता है आपका। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि मैंने जैसे मैं टेस्ट मैंने जब तैयारी करना चालू किया था तो मेरा बेसिक तैयारी चल रहा है प्री का, और साथ ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लिया था, तो मैं संडे को मैं टेस्ट सीरीज देने जाता तो वहाँ से एक फ़ायदा किया। जितना पढ़ा उतना बनाया, जितना नहीं पढ़ा उसमें चलो अटैम्प्ट किया, चलो देखा जाए कि तुक्का मारने की क्षमता भी कितनी हमारे अंदर है। ये आदमी सोचता है कि नहीं यार नहीं बना तुक्का ही मार दूंगा, तो था तो ऐसा कि देखिए जनरली तो आप चालू कर देना चाहिए। जैसे नोटिफिकेशन आया तो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चालू कर रही थी टेस्ट सीरीज, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन मार्केट जो से भी हो, तो कर लेना चाहिए कम से कम। तो नहीं तो आप एक ऑनलाइन मोड में दे दो फिर एक ऑफलाइन मोड में। क्या होता है ऑनलाइन मोड में क्या आप कभी भी दे सकते हो, जैसे आपको टाइम मिला आपने जिस दिन टेस्ट है वहाँ दे दिए। ऑफलाइन मोड का फायदा ये भी हो जाता है आपको कि आपके आसपास लोग बैठे रहते हैं। क्या होता है ह्यूमन टेंडेंसी है एक, आप सब जानते होंगे कि आदमी खुद से ज़्यादा दूसरे पर ध्यान देता है कि यार दूसरा कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सब चीज़ को भी ये सब ये जो बहुत ही माइनर माइनर गलतियाँ होती हैं कि खुद से ज़्यादा दूसरे पर ध्यान देना, दूसरा वाला कितना मनाक बैठा हुआ है, तो दूसरे देखता कि कितना गोला भर रहा है वो हमारे सीट में, वो नहीं करना। तो ये सब चीज़ें क्या है छोटी छोटी गलतियाँ होती है, वो सब सीखता है आदमी टेस्ट सीरीज में। वहाँ पे ये नहीं कि आप अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने जा रहे हो टेस्ट सीरीज में, बट हाँ आपकी जो गलतियाँ, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है नो डाउट होगा, बट आप छोटे छोटे लिटिल लिटिल जो थिंग्स होते हैं ना जो हैपन होती लाइफ में वो मैटर करते हैं एग्जाम के लिए। आप गलत कई उम्र से तो गलत नहीं भर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। मैंने मेन एग्जाम में भी देखा है लोगों को गलती करते हुए, सर हमारा गलत गोला भर दिए, गलत रोल नंबर तक लोग गलत रोल नंबर तक में गोला गलत करते हैं, ये दिक्कत हो जाता है। ये सब गलतियाँ आप अगर टेस्ट प्रैक्टिस में ही कर दोगे तो आपको पता है कि फाइनल एग्जाम नहीं करोगे कुछ गलतियाँ, और बहुत फायदा करता है। तो ये चीज़ें चलते हैं। तो सर आप हम लोगों ने प्रीलिम्स का पूरा डिस्कस कर लिया, अब आप मेंस के बारे में बताएं क्योंकि आपका उसमें भी एक्सपर्टीज है। किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कब प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या प्री मेंस साथ में हो सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्री और मेंस साथ में हो सकता है, बट आपको ना एक थोड़ा सा एक रेखा खींच के रखनी पड़ेगी दोनों बीच में। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम मेंस तैयारी पहले करते हैं और उसी के साथ में हम लोग प्री कर लेंगे, लेकिन लोग ये पूछ जाते हैं कि मेंस सब्जेक्टिव है आपको आंसर राइटिंग करना है वहाँ पे, और जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको थोड़ा सा ये जो महीन रेखा है बीच में उसको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा आपको। फिर दोनों आपका माइंड सेट आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयार हो जाए, इजी वे में हो जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। बट क्या कुछ लोग इसी में बीच में भर जाते हैं, इसमें होता है क्या कि कोई मेंस को टाइम रखता है। अगर मैं हिस्ट्री को पढ़ूँ ऐसा प्री के लिए और मेंस उसी को पढ़ूँ मेंस के लिए तो बहुत दोनों में टाइम लगता है। तो सच्चा कि आप एक सब्जेक्ट अगर दोनों तैयारी करना है साथ में तब उसको एक प्रॉपर एक डीप डेप्थ नॉलेज के साथ तैयारी करो, तो आपको प्री भी तैयार हो जाएगा मेंस भी तैयार हो जाएगा। सेकेंड थिंग मेंस की तैयारी की बात होती है, तो सबसे पहले वही मेरा वही था कि पहले सब्जेक्ट को पहले जानो। होता क्या है कि लोग फील्ड में तो कुछ जाते हैं पर उनको पता नहीं कि उस अब 7 पेपर है, 7 में 3 खंड है और तीनों खंड एक दूसरे से बहुत डिफर है, तो पहले समझना पड़ता है, पता होना चाहिए कि इनका और सबका अलग अलग आइडेंटिटी है। आप फिलोसफी को सोशोलॉजी नज़र से नहीं पढ़ सकते, आप ना आप आर्ट एंड कल्चर को क्या बोलते हैं आप इकोनॉमिक्स के नज़र से नहीं पढ़ सकते, सबके लिए अलग नज़रिया होता है और आपको उन्हीं के नज़रों से देखना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को बोलते हैं फिलोसफी मज़ा नहीं आता, बोला किस उनका सिंपल सवाल होता है कि आप उनको फिलोसफी नज़र नहीं पढ़ रहे, जब तक आप ब्रह्म आत्मा को जो वो दिखाना चाहते हैं उस तक नहीं देखोगे तब तक आप टॉपिक समझ नहीं आएगा। सोशियोलॉजी होगा सेम चीज़, तीसरा थोड़ा सा होता है कि हर किसी तक समाज समुदाय हर को नॉर्मल बोलते बोलते हैं क्या होता है धर्म क्या हर किसी को पता है, लेकिन वो सोशियोलॉजी की नज़रों देखो उसका मतलब क्या हो रहा है तब कर पाओगे। तो सबसे पहले वही बोलता हूँ, पहले आप मेंस के सब्जेक्ट्स को समझो कि क्या बोला जाता है, किस तरह से उसका एक अप्रोच क्या है, वो तैयारी करो। प्लस सेम इसमें भी थिंक रहता है कि आप किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो गए तो देखो, प्लस में तो बोलते भाई सब में आप बेकार सब में बहुत अच्छे हो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो नहीं प्री नहीं कि भाई मैं एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दूँ तो बन जाएगा, इसमें तो आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन मायने रखता है। तो है प्लस अब बात है तैयारी की,
एक तो पहले समझना पड़ा कि इसमें तैयारी करने से पहले समझना पड़ा कि कितने शब्दों तक कमा पढ़ना है आपको। आपको मैक्सिमम 175 शब्द लिखने हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हो उसमें आप लिख दो कहानी महाभारत पढ़ दे रहे हो उसके बारे में, मत करो। आपको जबकि आपको पता है कि आपको 175 वर्ड्स ही मिलने हैं, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो इसमें भी 750 है, तो जनरली वो अलग बात होता है। तो आप सबसे तैयारी करो कि आप कोई भी अगर आंसर तैयारी करो, किसी भी टॉपिक की तैयारी करो, तो आप उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 तक में लिमिट करने की कोशिश करो। ये पहले तो ये तैयारी होगा आपका। दूसरा होता है कि अब हर किसी को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो अलग होता है, सब तरीके अलग सबसे अच्छे होते हैं। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, दूसरों को कॉपी करना चालू करते हैं, किसने पॉइंट वाइज लिखा ये अच्छा है, किसने ज़्यादा अंडरलाइन कर दी, किसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दी वो भी सही है, किसी ने डायग्राम पाई चार्ट बना दिया वो भी सही है, किसी ने एकदम नॉर्मल वे में लिखा है बट उसको इतना खूबसूरत से लिखा है कि सामने लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी सही है। तो आप किसी को देखिए, किसी से नॉलेज लेना अच्छी बात, बट उसको एकदम एग्जैक्ट कॉपी करना वो सही नहीं लगता। आप उसमें अपना नया पन डालें कि चेकर जो होता है उसको 3,000-4,000 कॉपी चेक करनी होती है। तो आप जैसे कि पॉइंट वाइज तो हर बहुत भी पॉइंट वाइज करते हैं, अगर 500 लोग भी अगर एक सेम पैटर्न फॉलो करें तो उसको भी तो होगा ना, उसको भी तो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि प्रश्न तो एक ही है और प्रश्न का जवाब भी एक ही होता है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताता है कि नहीं आपको अलग करता है प्रश्न देने का तरीका। तो अपने में एक नया पन डालिए। अगर मैं अगर सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ, जैसे लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज का सिंपल फैक्ट है कि आपको बेसिक नॉलेज होना अच्छे से होना चाहिए, आप शुरू से आपको उसको नॉलेज होना चाहिए। इसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश हो गया, तो हिंदी के पार्ट क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा है, 100 नंबर का अकेले हिंदी से आता है और 50-50 नंबर इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी से आता है। बट कमांड आपको तीनों में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हिंदी में कमांड है तो छत्तीसगढ़ी में कमांड ईजी आएगा, क्योंकि दोनों में संधि समास जो है व्याकरण जो बोलते हैं वो सेम है। बस प्लस ऐसा है कि कुछ लोग को इंग्लिश से डाउट दिक्कत होता है, तो लोग क्या करते हैं, 150 क्वेश्चन तो है, 150 मार्क्स से तैयारी कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन देखा जाएगा, 50 नंबर देखा जाएगा, तो वो नहीं करना। कम से कम उसको भी कुछ बेसिक तैयारी तो रखना चाहिए। सेकेंड पार्ट आता है एशे, जो जिसमें आपको 4 ऐसे लिखना होते हैं, जिसमें से इंडिया के रिस्पेक्ट में 4 ऐसे आते हैं जिसमें से आपको 2 लिखने हैं, और छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में 4 ऐसे आते हैं जिसमें आपको 2 लिखने होते हैं। तो इसी तैयारी करने का तरीका सिंपल से ये होता है कि आप पहले तो एक लिखने की तैयारी कीजिए, पहले खुद से देखिए कि आप कितना लिख सकते हैं, कितना आप किसी टॉपिक्स में रिमाइंड कर सकते कंटेंट्स को। होता है क्या कि लोग पूछता कुछ और है, लिखते कुछ और भी हैं, तो थोड़ी सी लोगों को तकलीफ ये होता है कि लोग मन में क्या रहता है कि अगर मैंने लिख दिया कि बजट, मैंने आगे नहीं देखा अगर आगे क्या लिखा हुआ है, तो लोग बजट को बनाना चालू कर देंगे। बट इस बार क्वेश्चन आया था बजट, उसमें पूछा था कि एक तो किसान और जो पुरानी पेंशन योजना है उसे लाभ, तो मेरा जो भी पूरा जो डिटेल्स रहेगा वो पूरा इन्हीं के अराउंड रहना चाहिए, सराउंडेड। लोग क्या करते हैं, पहले बजट समझाएंगे बजट क्या होता है, फिर उसके ऊपर कहानी लिखेंगे कब से चालू हो गया, तो नहीं करना चाहिए। तो पहले आपको टॉपिक समझना पड़ेगा, टॉपिक डिमांड क्या है, उसके साथ सबको आंसर करना है। फिर इस वो जो आपके जो 3rd से फिर 7th पेपर आते हैं, सब में फिर 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 10-15 नंबर क्वेश्चन होते हैं, जो 3 पार्ट में बटे रहते हैं, जिसमें से 75-75 के 2 पार्ट होते हैं, पहला 3rd और 50 नंबर का 3rd मिडिल पार्ट जो 2nd पार्ट होता है वो रहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप 2 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों को सेम अप्रोच दोनों में सोचा रहा है कि मैं 18 संतों का दोनों पूछाऊँ तभी आप वही एकदम लिख दे रहे हो और 15 में लिख रहे हो तभी भी लिख दे रहे सेम, क्योंकि दोनों में तो वर्ड्स कंटेंट तो अलग है। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हर 2 नंबर के क्वेश्चन पर कैसे अप्रोच करते हो। 2 नंबर वाले को आप पॉइंट वाइज लिखो तब भी सही है, आप पैराग्राफ लिखो तब भी सही है। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं उनको टारगेट लिख चलते हैं, हम तो पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन की डिमांड ऐसी रहती है कि वो आप उसको पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, लिखना चाहेंगे भी तो बहुत अजीब दिखेगा वो। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है ऑन द पेपर, ये रहता है। प्लस कुछ कुछ जैसे कि डायनामिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि देखिए स्टैटिक पोर्शन में तो आप जो डेटा है वो तो है, जो पढ़ते आ रहे वही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ डायनामिक पोर्शन होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो इसमें डेटा अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको डेटा पुट करने भी आना चाहिए, ताकि मतलब एक चेकर को पता तो रहे कि हाँ कितना अवेयर है करंट के हिसाब से। बस लोग बोलते हैं कि जियोग्राफी भी एक स्टैटिक पोर्शन है, बट क्या है डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, बाढ़ आते हैं, भूकंप है, जैसे कि गर्मी इस बजट बरसात ज़्यादा हुई है, फिर रीज़न क्या था इस बार लोग बहुत ठंड ज़्यादा पड़ेगा, तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अगर इन चीज़ों को मेंशन करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
प्लस सातवां तक आपका सबसे मेन होता है कि कुछ कुछ टॉपिक जो है जो आप पहली बार पढ़ रहे थे, जैसे कि फिलोसफी, सोशोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये हमारे भी नहीं था, हम भी इंजीनियर हैं तो सब चीज़ें नई चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप इनको ना कभी अपने तरीके से मत पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप इनको उन्हीं नज़रों से पढ़ो तो ज़्यादा फायदेमंद। प्लस सेवन पेपर सबसे ज़्यादा डायनेमिक पोर्शन है, जिसको आप अनप्रडिक्टेबल भी बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा कम नंबर स्कोर इसी पेपर से ही होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, दोस्तों की सबसे कम स्कोरिंग है, सबसे मतलब कम नंबर आते हैं तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफर्ट इसमें डालते हैं, हम ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, बाकी में लोग अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं बाकी पेपर से। लेकिन उनको ये भी रहता है कि पुराने वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के अच्छे पेपर आपके भी इंपॉर्टेंट है। सेवन पेपर के लिए अप्रोच आपको एकदम पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि आप इतना डायनेमिक है कि उसमें कोई उसका सीमा नहीं है सेवन पेपर का। पहली बात तो आप पहले आप जितना पहले ट्राई कर सकते हो उतना पढ़िए पहले। तो अगर पहले फर्स्ट पार्ट में अगर तीन पॉइंट है इसमें से पहले तो 10 एक्ट्स हैं, पर उनको तैयारी कीजिए आप। फिर सेकंड उसी पॉइंट आता है कि छत्तीसगढ़ की योजना और नियम, तो नियम तो बहुत सारे हैं, तो उसमें सेलेक्ट कीजिए भाई क्या क्या नियम आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ठीक से खुद नहीं पढ़ रहेंगे तो आप अगर सवाल पूछते हैं वहाँ से तो आप क्या जवाब दे पाओगे, तो तैयारी करना पड़ता है। प्लस अपने आपको ऐसा है कि न्यूज़पेपर से अपडेट की, उसमें कि सेवन पेपर का सबसे डिमांड है कि अगर न्यूज़पेपर में अपडेटेड हो तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आपसे। प्लस सेकेंड पार्ट उसका IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें भी वो भी आता है, उसमें भी कोई एकदम फिक्स सीमा तो दिया नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए वही है कि आप जितना करंट अफेयर से तैयार हो अपना अगर न्यूज़ से करंट अफेयर तो देखते कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन का बात चल रहा है अभी, उसको नोट्स बना लीजिए। से अनटार्ट हो गया, नहीं पता हमको क्या था लेकिन उस न्यूज़ में था उस समय, SCU मीटिंग चल रही है अभी तो डेफिनेटली कि SCU मीटिंग से पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, अभी सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आती है माइनर आती है आपके पेपर के लिए। अभी रशिया यूक्रेन वॉर रिसेंटली पूछा गया, इसी में पूछा गया हमारे, जिस समय चालू हुआ था रशिया वॉर वो हमारे इसी में पूछा गया। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट ये हॉट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन एनालाइज हो सकता है। तो ये आप जब तक न्यूज़ पेपर से अपडेट नहीं होंगे सेम पेपर में आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप स्टडी क्वेश्चन तो तैयार कर लो चलो कि UN क्या होता है, उसकी बॉडीज़ क्या होती हैं, SCA क्या होता है, उसकी बॉडीज़ क्या क्या हैं, ब्रिक्स क्या होता है, SAARC क्या होता है हमारे यहाँ, लेकिन उसका आप ये तो हर कोई पढ़ते हैं, आप अपना डिफरेंट कर सकोगे। डिफरेंट तो आप यहीं से ला पाओगे ना कि आप ये लिखोगे यहाँ इस डेट को, मतलब इंडिया ने अभी जैसे कि SCA मीटिंग हुई थी तो चाइना कंडक्ट कराया था, जिसका लीड इंडिया ने किया था, मतलब इंडिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया अभी चाइना पाकिस्तान को, तो चीज़ों को आप यहाँ रखोगे आपका आंसर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। प्लस एक इफेक्टिव रहेगा कि आई कैचिंग रहेगा पूरा कम्प्लीटली। तो इसमें मेरा भी स्टेज जो रहा इसमें वही रहा सिंपल सा कि आप टेस्ट सीरीज ही पर तैयारी करो, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत लोगे अथा ज्ञान ले लोगे दुनिया जमाने का, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे डिलीवर करना है तो बहुत गलत है। मेरे से एक इंसिडेंट हुआ था, एक क्वेश्चन आया था कि अष्टांग योग एक है, ये योग का जो षष्ठ दर्शन हमारे यहाँ का है योग दर्शन का, और एक है आपका अष्टांगिक मार्ग, ये आपका है आपका बौद्ध का। ये होता क्या है कि इसमें मैंने गलती किया कि मैंने अष्टांगिक मार्ग जगह पर अष्टांगिक योग पूरा योग लिख दिया था अष्टांग योग, तो ये गलती होती है, ये प्रेशर में गलतियाँ होती है। तो इस चीज़ें क्या ये सब प्रेशर में गलती ना करोगे आप, ये टेस्ट में हुआ था मेरे से, तो ये गलतियाँ नहीं करोगे तो आप मेन पेपर में ये गलतियाँ अगर टेस्ट में करते हो तो ये गलतियाँ पेपर में नहीं करोगे। क्या होता है कि 3 घंटे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको 3 अलग अदर सब्जेक्ट के मेमोरीज तैयार रखने पड़ते हैं, हिस्ट्री अगर इंडियन हिस्ट्री है अगर थर्ड पेपर में, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, दोनों बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। पर बीच में पार्ट आता है आपका एक तो एक वो है लोक प्रशासन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दोनों से एकदम अलग सिस्टम अलग चलता है उनका, तो आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट तैयार रखने पड़ते हैं, दिमाग रखना पड़ता है, आप प्रेशर में रहते हो। प्लस आपको 40 से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं 3 घंटे में, जिनकी सबसे जिनकी कम से कम शब्द नहीं तो 2800-3000 अराउंड रहती है कितना लिखना, कि आपके हाथ जम जाते हैं। प्लस आपको हर एक क्वेश्चन में एक नया बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप एकदम कन्वेंशनल आंसर राइटिंग कर रहे हो कि ये पूछा एकदम नॉर्मल लिख दिया तो हर कोई लिखेगा, फिर आपका आंसर अलग कैसे हुआ। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जितना टेस्ट प्रैक्टिस में जितना नया बना सकते हो, चाहे आप अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन करो, इनोडेड कॉमा सेट करना वो करो, चार्ट बनाओ, ताकि आपको फीडबैक बनेगा, तो समझ आ कि आप किस वे में अगर वो करते हो परफॉर्म करते हो तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकता है।
तो चलता मेरा। और जब मेरा भी स्टडीज यही रहा है मतलब ऑल टाइम कि तैयारी ऐसे किया जाए ये करो करके मतलब। और मैंने हमेशा हमेशा पैटर्न बदले हैं अपने, ऐसा नहीं कि मैंने हमेशा एकदम स्टैटिक पोर्शन जैसे मैंने 18 से लिखा आंसर उसे मैं 19-20 में भी सेम लिखूँ, नहीं करता मैं हमेशा हर बार हर टाइम एक नया प्लान की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए सवाल एक होगा जवाब एक होगा बट नंबर हो ज़्यादा मिलेगा जिसका रिप्रेजेंट करने का तरीका लोग, बस वही मेरा थाट चलता है और मैं वही करता हूँ उसमें सर। बहुत सही, आपका बहुत अच्छा अप्रोच है मीन्स को लेके। पर अपने इंटरव्यू पे थोड़ा सा आते हैं कि इंटरव्यू का भी आपको एक्सपीरियंस है, चार बार कम से कम आपने दिलाया, कैसे तैयार करना चाहिए, कैसा वहाँ पर एनवायरनमेंट रहता है उसके बाद? पता क्या है ना, देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ रियलिटी है, जैसे कि जब मैं पहला इंटरव्यू देने गया था, मॉक इंटरव्यू था मेरा पहला, तो पहली बार नाम आया था तो बहुत हवा था, अरे इंटरव्यू ये होता है इंटरव्यू होता है करके, और मेरा मॉक इंटरव्यू पहला बहुत खराब गया था एक्चुअल में। तो फिर मैंने हार नहीं माना, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं अपन क्लास बैठेंगे, कैसा आंसर देना चाहिए हम वो सीखेंगे। और नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू देने के सेम बोर्ड में बहुत अच्छा रिस्पांस है, एकदम नॉट अ ग्रेट बट इट्स अ गुड वन फॉर मी। तो वो था, फिर मैंने उन्होंने बोला था ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देना भी सही नहीं होता, होता क्या कि आप अपने वो तो कर रहे हो, आप अपने लगन तो कर रहे हो, आप कहाँ कितना अच्छा, लेकिन होता है कभी कभी आप डीमोटिवेट भी रहते हो और आप क्या पहले धाना बना लेते हो कि यार ये ऐसा होता है वो होता है। सेम थिंग्स हुई भी मेरे को ऐसे, अब पहले जो बोर्ड मेंबर्स थे तो उनके बारे में कुछ कुछ बारे में बताया गया था कि ये बोर्ड मेंबर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये कैसे पूछता है, जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा डर था बोर्ड जिस बोर्ड मेंबर से वही बोर्ड मेरे को मिला, पांडे सर का बोर्ड था वो, और डरा दिया पहले से मन में बिठा दिया कि यार ये बोर्ड वाला ऐसा करते हैं। मैं गया अंदर, क्वेश्चन पूछे मेरे से, जितना अच्छे से उन्होंने व्यवहार किया, जितना मतलब बेहतरीन वे में मेरा इंटरव्यू गया, मैंने गलतियाँ भी की, ऐसा नहीं बोलूँगा मैंने गलती नहीं की, बट उन्होंने मेरी गलती सुधारा, साथ ही उन्होंने आंसर भी बताया उसका ये बड़ा ये आंसर होता है। और जब मैं बाहर निकला तो मेरे जितने भी वो जो पूर्व धारणाएँ थी उन किसी बोर्ड के मामले में पूरा हर हट चुका था। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, चलो फ्री एजम्पशन ना करें किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए, कभी भी कोई भी बोर्ड मेंबर वहाँ पर जो बैठा है, एक तो हाई प्रोफाइल नॉलेजबल पर्सन है, वो ऐसे नहीं कि कहीं से भी उसको ठाक ला लिया, ऐसा बंदा नहीं होता वहाँ पे। जैसे कि मेरे इस बार के जो बोर्ड में थे, इस बार CSU2 के चांसलर बैठे थे बोर्ड में, तो इतने हाई प्रोफाइल लोग आएंगे तो आपसे अच्छा व्यवहार ही करेंगे, आपसे अच्छे कुछ पूछेंगे। और इंटरव्यू होता है इसलिए कि आप एज ए पर्सनैलिटी कैसे वहाँ पर जवाब देते हैं, क्योंकि आपने तो अपना ज्ञान का तो दे दिया, डिलीवर कर दिया भाई कि मैंने प्री निकाला है और मैं ऑब्जेक्टिव में अच्छा हूँ, मैंने मेंस निकाला मैं सब्जेक्टिव में अच्छा हूँ। तो वहाँ पर लोग बोलते हैं कि पूरा सब्जेक्ट की तैयारी कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, बट आपको ये पता होना चाहिए करंट में हो क्या रहा है। अगर आप अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट से अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर आप कैसे प्रशासन को संभाल पाओगे, एक बहुत बड़ा सवाल आता है। तो आपको ये तैयारी होनी चाहिए विश्व पटल में या छत्तीसगढ़ के या भारत पटल में क्या हो क्या रहा है, आपको वो नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोनो नेशनल पार्क में जो भी जो टाइगर सॉरी जो चीता लेके आ गया उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। अब उसको अगर वो क्वेश्चन उससे आप सैराइज होता है और आप उसको आंसर ना दे पाओ तो आप तो फिर आप तो फिर रटे तोता ही कहलाओगे, और प्रशासन को रटे तोता की जरूरत नहीं है। उसको चाहिए कि डायनेमिक पर्सन चाहिए जो सिर्फ नॉलेज के हिसाब से नहीं, जो सिचुएशन के हिसाब से भी वर्क कर सके। तो ये होता है इंटरव्यू बोर्ड का काम, जो ये वो छटने काम करता है, इसलिए किसी को हाई फाई मार्क्स भी आते हैं, किसी को लोअर मार्क्स भी आते हैं, बस यही बस डिसाइड करता है। क्योंकि होता क्या है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में गए तो बहुत लोग में दिमाग में रहते हैं कि यार बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो बहुत लोग क्या करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इंटरव्यू बोर्ड में जा रहा हूँ, मतलब मेरे से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट क्वेश्चन उठ जाएगा। लोग उससे दिमाग में सेट कर चलाते हैं, होता है कि कभी कभी चला जाता है 45 मिनट, कभी कभी 10 मिनट हो जाते हैं, तो लोग का दिमाग खराब जाते हैं, अरे अरे कैसे हो गया, लोग इसी में हबड़ाते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं चलो मेरा स्टार्टिंग में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मैं बाद में संभाल लूँगा, बट अंत कब होगा आपको पता है नहीं, इसलिए अच्छा है कि ठीक है जो गलती हुई उसके लिए तो कोई नहीं दिक्कत नहीं, सॉरी सर भी हो सकता है, बट जहाँ भी आपको सुधारने का मौका मिले संभालने को आप संभालिए। हो सकता है कि कहीं आपका आपने 10 में से 1 से 9 क्वेश्चन के सवाल नहीं दिए होंगे, जवाब नहीं दिए होंगे आपने, बट आपने अगर एक क्वेश्चन का अच्छा जवाब दे दिया तो आपका पूरा इंटरव्यू अच्छा गया। एक होता है कि हर एक फैक्टर आता है, एक मोड आता है जहाँ पे अगर आपका दिमाग अगर सही सर्ट अगर आपको आपने सही जवाब दे दिया वहाँ पे एक्टिवली एकदम सही जवाब दे दिया तो आपका इंटरव्यू अच्छा गया, और आपने वहीं पे गलत कर दिया तो आप कितना भी आपने बाकी का आंसर दिया हो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरा दोस्त है
उसने और मेरा, हम दोनों ने 2018 का इंटरव्यू दोनों के साथ दिया था, दोनों का सेम उसका बिजनेस सर बोर्ड था, मेरा पांडे सर बोर्ड था। तो हुआ क्या कि मेरे से गलती हुई, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैंने जहाँ जहाँ मेरे को सुधारने मौका मिला मैं सुधारा। उसका पता नहीं क्या था, उसने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बाकी सबका आंसर दिया, तभी उसको मेरे से कम कम्प्लीटली कम मार्क्स मिले। तो ये भी ना लोग में दिमाग में चलता है लोग कि मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मुझे कम्प्लीटली अच्छा आंसर अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप नॉलेज पे नहीं प्रदर्शन करने जा रहे हो, आप अपने सिचुएशन वाइज कैसे जॉब काम करोगे वो दिखने जा रहे हो, एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। और प्लस मार्केट में बहुत हवा मचा हुआ है, इंटरव्यू में इतना डराते हैं लोग, ये बोलते हैं इंटरव्यू में, बोर्ड मेंबर भगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा माहौल होता है। मैं पांडे सर बोर्ड में जा चुका हूँ, उनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, मैं सौ सर बोर्ड में जा चुका हूँ, इस बार मैं सोनोनी सर बोर्ड में गया था, लोगों ने डरा कर रखा था कि अरे सोनोनी सर ये करते वो करते, कोई कुछ नहीं, वो आपको जजमेंट करने का तरीका, वो जज करेंगे आपको उनका, वह क्योंकि उनको प्रशासन को अच्छे प्रशासनिक अधिकारी देना है, उनका दायित्व है वो, तो दायित्व पूर्ति है तो वो जिस उनका जो वे है खंगालने का आपको निचोड़ने का वो तो करेंगे, तब तो आप अच्छे कैसे वर्क करते हो प्रेशर में वो समझ आएगा उनको ना। तो वो था इसमें 10 मेरा 15 मिनट का इंटरव्यू था उस दिन, मेरे से पहले वालों का 10 मिनट हुआ था, बोला ने बोला अरे यार ये तो डराते हैं ऐसे, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं मेरे को भाई, मेरा मुझे पता है मुझे अंदर जाना है, मेरा जो अच्छा परफॉर्मेंस मोड देना है और निकलना ये सब चीज़ें भूल जाना है, ये नहीं कि अरे यार ये हो गया वो बोलना था, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरा मेरा हाथ में मेरा कर्म था, मैंने कर्म कर दिया, फल जो है वो रिजल्ट देखेगा जाएगा, फाइनली आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद। अब देखिए होप सो क्या है कि देखिए सर, मुझे लगता है आपका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए क्या है ना, मैं जैसे कि मैं 1920 में भी था, मैं इंटरव्यू वहाँ फेस किया, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, दुख था, फिर मैंने बोला अगर मैं चाहता तो वहीं रुक जाता, बोलता है किस्मत ख़राब है, तो मैं बोला नहीं अटैम्प्ट मारा जाएगा, अरे अभी छपता है ये आज डेट में, अगर अटैम्प्ट नहीं मारा आज डेट में कुछ कुछ लूँगा कूदूँगा नहीं तो ज़िंदगी भर तब सोच मारूँगा, तो वो चीज़ था, तो मैंने फिर अटैम्प्ट किया। बाकी देखिए ऐसा है कि बस अटैम्प्ट करो, क्योंकि जो मेरे हाथ में मैं वही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में मेरा वर्क कर्तव्य है, मेरा कार्य है, जिसको मैं अच्छे से निभा सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैंने अपना कार्य किया, मैंने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, ठीक है रिजल्ट अच्छा है तो भी अच्छी बात है, बुरा है तब भी कोई बुरी बात नहीं, बस इतना है कि भाई मैं अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि मुझे 10 साल बाद 20 साल बाद ये सोचना है कहा एक और अटैम्प्ट कर लेना था, ठीक है हो जाते हैं भाई, कुछ जरूरी नहीं कि आप अगर मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट आ ही जाएगा एकदम, लेकिन रिजल्ट आने चांस रहते हैं, आप मेहनत नहीं करो तो रिजल्ट तो 0% है ना, तो अटैम्प्ट करो, ठीक है जो होगा नहीं होगा बट मेरा नॉलेज तो बढ़ेगा, हो सकता है कि मैं ना बन पाऊँ उस लेवल पहुंच ना पाऊँ, लेकिन मैं मेरे नॉलेज से कहीं दूसरा पहुंच जाए वो भी मेरा एक अचीवमेंट ही चलाएगा, बस वही है चलते रहते हैं, चल रहा है मेरी जिंदगी का बस फलसफा ये। थैंक यू सो मच इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, वो भी डिटेल में, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो सर अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे हैं, हम चाहते हैं आपसे कि आप क्या वो मोटिवेशनल कोट शेयर करेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के साथ जो आपको इस पूरे जर्नी में मोटिवेट करते रहता है, कर था वो सब बताएं। एक जैसे कि मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ, जैसे कि जब मेरा CGPSC 20 का जब रिजल्ट आया उस समय दिवाली का समय था, जस्टिस दिवाली के एक दिन कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया मीन्स का, जब तो सिलेक्शन उसमें रैंक बहुत कम आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब ऐसा था कि यार अब करूँ क्या, दिमाग एकदम पूरा ब्लैंक रहता है, बट मैंने सोचा कि मैंने एक दिन दुख मनाया, मेरा आदत है कि मैं एक दुख एक दिन मनाता हूँ और शुभ 100 दिन, एक दिन दुख मनाया, उसके बाद मैंने सोचा आगे क्या है मेरे को देखते, मैंने देखा ACF का पेपर है जो 5 दिसंबर को होने वाला था और नवंबर में अक्टूबर में रिजल्ट आया था मेरा CGPSC 20 का, मैं बोला चलो लेट्स ट्राई अटैम्प्ट मारते हैं, मेरा कोई तैयारी नहीं था उसमें, तो मेरा एक ध्येय है मतलब लाइफ में कि असफलताओं से कभी डरो मत, क्योंकि असफलता में ही सफलता छुपी है आपकी, प्लस आप अपनी जो परीक्षा जो पास्ट जो परीक्षाएँ हैं काली परीक्षाएँ हैं उनको कभी भी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में आने मत दो, और देखिए कभी भी देखो असफलताओं का अंधेरा कितना भी क्यों ना घना हो, सफलता का जब सूरज चमकता है ना तो पूरे अंधेरे जो भी परछाई है अंधेरी परछाई वो सब मिट जाती है, और ये था, और मैंने ACF मैंने दिया पेपर, मैंने जितना भी तैयारी कर सकता और भगवान मतलब भगवान की कृपा है बोलो कि ACF का मीन्स मतलब ACF भी क्लियर हुआ मेरा, इंटरव्यू भी अपडेट है मेरा इसका, तो एक है कि आप ज़्यादा
जिंदगी में ना ये कॉम्प्लीट मत, अपने को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए कभी, अपने को सरल रखिए, मुस्कुराते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कभी ये मत सोचे कि अरे यार ये तुम्हारे से होगा नहीं। ना करने के हज़ार बहाने बहाने हो सकते हैं, करने का आपको एक तरीका मिल जाए ना तो उस तरीके को फॉलो कीजिए। और ज़िंदगी का तो एक फलसफा मैं हमेशा एक रखता हूँ, हमेशा एक महाभारत का कोट है वो, श्री कृष्ण जब अर्जुन से बोलते हैं एक कोट है उनका, ये समय भी चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी दुख में ज़्यादा दुख में ना रहिए, असुख में अपने आप को कभी महान मत समझिए, कभी अपने को तोपचंद मत समझो कि मैं ही छू सुख, मेरे पास सुख है तो मैं भी बड़ा हूँ। तो हमेशा अच्छे रहिए, खुश मतलब, और हमेशा हर सिचुएशन में मुस्कुराइए। समस्या आपके समस्या का जवाब भी आपके अंदर है, दूसरों से ढूंढोगे समस्याओं का जवाब नहीं मिलेगा, खुद बैठिए, मौन रहिए। एक तो सबसे पहले बात है, पहले मौन रहिए, सोचिए कि क्या क्या परेशानी है, उन परेशानियों का ओरिजिन देखिए। कोई होता कभी अभी होता है क्या कि आप बस परेशानियों में उलझे पड़े, सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हो रहा होगा हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं, कहीं ना कहीं आप ही उसके जिम्मेदार हैं। ये नहीं बोल रहा कि बहुत सी चीज़ें होती जो आप अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती जो आप नहीं करते, बट उसके जवाब भी आपके पास होते हैं। बस नहीं कहना चाहूँगा, और बस ये कि ऑल द बेस्ट, जब तक क्षमता है, एज है, मैं तो बोलता हूँ जब तक क्षमता एज है और लड़ने की ललक है, फाइट कीजिए, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जीवन में अचीव करेंगे, बेटर करेंगे, हमेशा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअल में बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ इस चीज़ को सुन के, क्योंकि मतलब अटेम्प्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए और एक्चुअल में आपको सफलता मिलेगी। ये जो बिलीव बस है ना, किसी एक को मिल जाता है ना, किसी एक एस्पिरेंट को ये लगता रहता है जो रुकने वाला होगा अपने जर्नी में, होता ही ये चीज़ें कि क्या होता है ना, एक वो है सर ये, किसी को घर से निकलती ही मंजिल मिल गई, किसी को लंबा सफ़र करना पड़ा, होता है। बट ठीक है, मंजिल तो देखिए खूबसूरत होगी, बट मानता हूँ कि ना मंजिल ज़्यादा खूबसूरत होती है इसका रास्ता। ठीक है, आज मैं चलिए अभी ठीक है जो एक पोस्ट में, मैं बड़े पोस्ट जाने की इच्छा रखता हूँ, जिस दिन मैं उस पोस्ट पहुँचूंगा ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं कि अरे यार कैसे जॉब के साथ पढ़ाई किया मैंने, बहुत सी चीज़ झेला है, ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह सपोर्ट ही मिला, कहीं कहीं ऐसा कि सपोर्ट नहीं मिला, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई है मेरे साथ लाइफ में, बट वो चीज़ें फिर एक खूबसूरत एक मूड लाता है ना, वही खूबसूरत मेमोरी में जाती है चीज़ें, वही है। बट वही है कि देखिए क्या हम फ्यूचर नहीं देखें, सबसे अच्छा है कि अगर मैं, और फ्यूचर का सिंपल फंड है, अगर मैं अपने प्रेजेंट को सुधार लूँ ना तो फ्यूचर भी अच्छा जाएगा, और मैं प्रेजेंट को ही ख़राब कर बैठा हूँ तो फ्यूचर तो कभी अच्छा होगा नहीं आप सर। तो वही है कि प्रेजेंट को अच्छा बनाइए, प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर आपका अच्छा ही होगा, डेफिनेटली है वो, बस वही है। थैंक यू सो मच। तो अब बहुत सारी पढ़ाई की बातें हो गई हैं, एकदम सीरियस बातें, थोड़ा सा लाइट मोड में आते हैं। okay. ये है हम लोगों का रैपिड फायर राउंड, जो भी चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपके सामने जिन आ जाए, तीन विशेष हो आपके पास, तो आप क्या मांगेंगे? पहला जिन, सबसे पहले तो मैं तो हमेशा एक चीज़ मांगता हूँ लाइफ में, लाइफ में कि मेरे परिवार का भला हो, हमेशा कभी उनको दुखा ना मिले, हमें सुख मिले, हमेशा उनको मतलब सुख, तन धन मन हमेशा समृद्ध रहे उनका, कभी। और मैं एक मानता हूँ कि एक ही मेरा ऐसा विषय जो वो तीनों विषय पूरा कर देगा। अच्छा, बाकी दोनों ऐसे रखे हुए हैं, चलो बाद में। क्योंकि क्या है, देखिए मेरे परिवार है, मतलब देखिए मेरे लिए मेरा प्रायोरिटी परिवार है, मैं सब मेरे परिवार दोस्त हैं, अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, बिल्कुल बस यही चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला तो आप किन से मिलना चाहेंगे? पर्सनालिटी से तो मेरे को तो अपनी महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने की तीव्र इच्छा है। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन, अगर आपको किसी कोई ऐसे पर्सन जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनसे मिलने का मौका मिले तो आप क्या मिलेंगे, क्या बात करेंगे? एक्चुअली मैं दादी से मिलना चाहूँगा, उसका एक कहानी बता सकती हूँ। एक्चुअली मेरी दादी का जो डेथ है ना, अपने पापा जी के शादी से पहले हो गया था, तो मैंने कभी देखा ही नहीं उनको, और पापा बताते कि इतना प्यार करते थे, तो पापा को कितना प्यार करती थी, और कभी हमको मतलब ना दादी का ना दादा का दोनों का नहीं मिला, लेकिन दादाजी का प्यार तो ऐसा था कि हम छोटे थे, तो बस वही है जिनसे कसक है मिलने की। तो सर लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं तो स्कूल की गली में जाना चाहूँगा जहाँ पे बचपन बीता, क्योंकि वो ऐसा टाइम जो रहा है जब टेंशन नहीं था, क्या पढ़ा, कितना कमाना है, कितना करना है, बस जिंदगी जी है हम लोग।
बस वही जाना चाहता हूँ फोकस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे अच्छे आंसर देने के लिए। मैटर्स ज्ञान की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आप और एक पर्सन को टैग करते हैं ताकि वो भी यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, तो आप किन को टैग करना चाहेंगे? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारे सर सासू सर हैं ऋतुराज देवांगन सर को मैं टैग करना चाहूँगा, साथ ही हमारे एक डिप्टी कलेक्टर महोदय हैं राजीव कुजूर करके, उनको भी टैग करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो सर आप दोनों को हम इनवाइट करते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में ताकि आप भी आके अपना गाइडेंस स्टूडेंट्स को पहुँचा सकें, तो मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना टाइम दिया एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू।